यस 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 गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? एंड क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए। एम आई लाइव? एम आई ऑडिबल? अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो सबसे पहले यार, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आई एम मुनीश और आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट, एंड मैं सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स, बीसीए, सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हम जो है दोस्तों आज करने वाले हैं, है ना, हम आज करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यूनिट 1 थियोरी ऑफ डिमांड का वन शॉर्ट रिविजन, ठीक है ना। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक्स चैप्टर में 2 में टोटल 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है डिमांड, यूनिट 2 है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, एंड यूनिट 3 है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई। मैंने थ्योरी ऑफ सप्लाई का आपको ऑलरेडी वन शॉट रिविजन करवा दिया है। अभी हम आज थ्योरी ऑफ डिमांड का वन शॉट रिविजन करने वाले हैं, एंड देन हम कुछ समय बाद यूनिट 2 का भी वन शॉट जरूर करवाएंगे आपको, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली बार। ये चैप्टर का वेटेज बेटा 12 से 15 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का, ठीक है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस चैप्टर से ना कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए तो आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। रट्टेबाजी करेंगे तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने सारे जूनियर्स को बता देना कि हमारा सीए फाउंडेशन जून 2024 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, विश्वास बैच। ये कल स्टार्ट हुआ था, 23 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था। एंड सीए इंटर में भी हमारा एफएमएसएम की बैच चल रही है मई 2024 के लिए। जो आप सारे हैं ना, जो यहाँ पे जो सारे बच्चे बैठे हैं, आप लोगों के लिए हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे सीए इंटर के, है ना, जनवरी महीने में, ठीक है ना, आपके एग्जाम्स के बाद। तो जून 2024 वालों के लिए विश्वास बैच अभी चल रहा है, एंड इसमें एनरोल कर सकते हैं आपके सारे जूनियर्स ultimatesea.com पे जाके, राइट। एंड ये जो हम चार्ट बुक यूज़ करने वाले हैं, ये चार्ट बुक आप परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट mvsir.in से। इसको परचेस करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत ही अब लिमिटेड स्टॉक बचा है, आप जल्द से जल्द इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आएगी रिवीजन करने में। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स अगेन बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई यूनिट 1 थ्योरी ऑफ डिमांड, है ना। तो मैंने आपको बराबर से आपको बार बार बोला है कि यूनिट 1 का ये सेशन है, ठीक है ना। यूनिट 1 थ्योरी ऑफ डिमांड सबसे बड़ा यूनिट है ये, इसको हम आज रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, बच्चा बोला सर अगर हमने ये चैप्टर पहले नहीं किया तो क्या अब हम ये कर सकते हैं? बेटा आपके पास ढोकले अब ऑप्शन ही नहीं है ना। अब तो एग्जाम को 30-40 दिन ही बचे हैं, अब वैसे भी आपका कोई ऑप्शन है नहीं। तो देख लो, अगर आपका एग्जाम जून 2024 में है तो प्लीज ये वीडियो ना देखें पहले। अगर आपका एग्जाम पास आ चुका है तो ये वीडियो देखना है, ठीक है ना। तो ये रिवीजन मैराथन की तरह ये होने वाला है। तो जो बच्चों का एग्जाम अभी 30-40 दिन में है उनके लिए रिलेवेंट होने वाला है, ठीक है ना। चल ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात, डिमांड का मतलब क्या बोलते हैं? डिमांड का मतलब होता है इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेस एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो किसी प्रोडक्ट की आप कितनी क्वांटिटी एक बायर खरीदना चाहेगा, है ना, एंड ही इज ऑल्सो हैविंग अबिलिटी टू परचेस एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या बोलना चाह रहा है कि डिमांड बताता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का या सर्विस का कितना क्वांटिटी हम खरीदना चाहते हैं, राइट, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है? बोलते हैं कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एक फ्लो वेरिएबल होता है, है ना। हमें बताना पड़ता है कि अगर समझो मैं बोलता हूँ कि मैं 10 चॉकलेट डिमांड करता हूँ, पर कितने टाइम पीरियड में, मतलब मैं 10 चॉकलेट डिमांड करता हूँ एक हफ्ते में, है ना। तो हमें जो वेरिएबल्स को समझाने के लिए टाइम पीरियड बताना पड़ता है उन्हें फ्लो वेरिएबल्स बोलते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड भी एक फ्लो वेरिएबल होता है, ठीक है ना। एट वेरियस प्राइसेस का मतलब क्या है? बोलते हैं अलग अलग प्राइसेस पे हम अलग अलग क्वांटिटी खरीदना चाहेंगे। जनरली क्या होता है जब कोई चीज़ बेटा महंगी होती है तो हम उसको कम खरीदते हैं, कम क्वांटिटी खरीदते हैं। जब कोई चीज़ सस्ती होती है जनरली तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। तो प्राइसेस के बदलने पे भी क्वांटिटी डिमांडेड हमारा चेंज होता है। फिर आपको एमसीक्यू आता है बेटा कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या डिमांड और डिज़ायर सेम चीज़ होती है? क्या डिमांड और डिज़ायर सेम है? बोलते नहीं, डिमांड एंड डिज़ायर इज नॉट द सेम थिंग। ये नॉट द सेम थिंग के ऊपर एमसीक्यू होता है कि एज पर इकोनॉमिक्स डिमांड इज डैश
एज डिजायर, इट इज नॉट द सेम थिंग एज डिजायर। बोलते हैं डिजायर तो सिर्फ एक पार्ट होता है इफेक्टिव डिमांड का। बोलते हैं किसी भी प्रोडक्ट की इफेक्टिव डिमांड जनरेट करने के लिए तीन चीजें होना जरूरी है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर डिजायर होना चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने का, आपके अंदर अबिलिटी टू पे होनी चाहिए। मतलब सिर्फ इच्छा होने से नहीं चलेगा। मैं अब हमारे रेगुलर क्लासेस में जनरली बताता हूँ, मैक्लेरेन जीटी है ना, तो कार्तिक आर्यन के पास है मैक्लेरेन जीटी, वो 4.7 CR की वो कार है, ठीक है ना। तो मैं काफी बच्चों को पूछता हूँ कि क्या आपको ये कार चाहिए, बहुत से बच्चे बोलते हैं यस सर हमें कार चाहिए, यस सर हमें कार चाहिए। मतलब इच्छा तो है, लेकिन क्या आपके सिर्फ इच्छा होने से उस कार की डिमांड क्रिएट हो जाएगी? बोलते नहीं, आपके पास इच्छा होने के साथ साथ पैसा भी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, है ना। तो क्या चाहिए? मीन्स टू परचेज। मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस, जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीद सको। इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं अबिलिटी टू पे। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने की। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करने के लिए इच्छा चाहिए आपके अंदर उसको खरीदने की, दूसरा आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए उसको खरीदने की, एंड तीसरा आपके अंदर विलिंगनेस भी होनी चाहिए टू यूज दोज मीन्स ऑफ परचेज। मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, एंड तीसरी बात है कि पैसे देने की सहमति भी होनी चाहिए। ऐसा जनरली हमारे हमारे पेरेंट्स के साथ होता है। हम पापा को बोलते हैं कि पापा पापा मुझे आईफोन लेके दो ना, इच्छा है आईफोन खरीदने की। पापा के पास पैसा भी है, लेकिन पापा जब उसका प्राइस सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं, ये बहुत महंगा है, मुझे इस पे खर्चा नहीं करना। मतलब कि इच्छा है, पैसा भी है हमारे पास, लेकिन पैसे देने की सहमति नहीं है। जब ये तीनों चीजें होती है ना, तब जाके ही किसी प्रोडक्ट की इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। पहला मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। इसका मतलब क्या है? मैंने जैसे कि आपको बताया अलग अलग प्राइसेस पे हम अलग अलग क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, है ना। तो हमें ये बताना पड़ता है कि मैं 10 चॉकलेट खरीदना चाहूंगा कितने रुपए पे, ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही खरीदना चाहोगे, ऐसा बोल रहे हैं। अगर समझो प्राइसेस बदलेगी तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड भी बदलता है। प्राइस बढ़ती है तो हम कम क्वांटिटी खरीदते हैं ना, कोई भी महंगी चीज होगी तो कम खरीदेंगे, कोई भी सस्ती चीज होगी तो ज्यादा खरीदेंगे, ऐसा। तो हर एक क्वांटिटी डिमांडेड एक प्राइस के साथ एक्सप्रेस की जाती है। मैंने बोला कि मैं 10 चॉकलेट्स डिमांड करता हूं एक हफ्ते में, अगर चॉकलेट की प्राइस 20 रुपए रही तो मैं बता रहा हूं कि मैं 20 रुपए की अगर चॉकलेट रही ना, तो मैं 10 चॉकलेट खरीदता हूं एक हफ्ते में, ऐसा। तो प्राइस बताना जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10 चॉकलेट खरीदता हूं 20 रुपए की एक, एंड एक हफ्ते में मुझे टाइम पीरियड बताना पड़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बेटा एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है फ्लो कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऐसे कोई भी वेरिएबल्स, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू को समझाने के लिए हमें टाइम पीरियड बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है समझो 100 रुपए, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है 100 रुपए। तो आप बोलेंगे सर 100 रुपए कितने समय का है? क्या ये एक हफ्ते का है, एक महीने का है, एक दिन का है, एक साल का है, कितने टाइम पीरियड का है? तो क्या ये प्रॉफिट के अमाउंट को समझाने के लिए मुझे टाइम पीरियड बताना पड़ रहा है क्या? यस, ये फ्लो वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होता है? एक फ्लो वेरिएबल होता है। हमें उसके समझाने के लिए टाइम पीरियड बताना जरूरी है। बोलते हैं वी आर नॉट कंसर्न्ड विद अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज बट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेजेस। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे कोई एक आधी बार आपने कोई चीज खरीदी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेसेस की। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कितना क्वांटिटी खरीदते हैं किसी प्रोडक्ट का, उसकी बात यहाँ पे करते हैं इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, बात नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या बताता है? ये बोलते हैं, प्लीज ध्यान दें, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि, ये बोलते हैं क्या बताइए, ये बोलते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं? मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बदलने पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बदल जाएंगी? ये होते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना। सो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जिसके बदलने पे हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बदल जाए, दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला देखेंगे, पहली बात आती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बोलते हैं जनरली जैसे जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, है ना, वही चीज है वापस से, क्या है बताइए। बोलते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना, तो हम क्या करते हैं, जनरली उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए तो हम उसका डिमांड बढ़ा देते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि देखो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के बदलने पे क्या डिमांड चेंज हो रहा है? यस। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करने पे क्या डिमांड चेंज हो रहा है? यस। यही तो बोल रहे हैं।
ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके बदलने पे प्रोडक्ट की डिमांड बदल जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, इसके वजह से हमारा डिमांड चेंज होता है ऐसा। अब ध्यान दीजिए, बोलते हैं यहां पे देखेंगे, बोलते हैं सेटरस पैरिबस। सेटरस पैरिबस का मतलब क्या है, इसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बोलते हैं कि देखो वैसे तो हमारे डिमांड के बहुत सारे डिटरमिनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिस्पोजेबल इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलते हैं अगर मैं ये सारे सारे डिटरमिनेंट्स को एक साथ चेंज करूंगा और बोलूंगा अब बताओ प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड के साथ क्या होगा, हम एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे। बोलते हैं अगर मुझे सिर्फ ये बताना है ना कि प्राइस के वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा ना, ऐसा अज्यूम करूंगा कि समझो अगर प्राइस बढ़ रही है तो अज्यूमिंग बाकी फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, बाकी फैक्टर कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन ऐसा करना पड़ता है तब जाके ही फर्दर एनालिसिस हम कर पाएंगे। तो जब मैं बोल रहा हूं कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, ये कब हो सकता है, जब मैं ये अज्यूम करूं कि प्राइस के अलावा बाकी जो भी डिटरमिनेंट है ना डिमांड के वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सबको एक साथ मिक्स चेंज करेंगे तो डिमांड पे जो असर आएगा वो बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली किसके वजह से आया है, इसलिए हमें ये सेटरस पैरिबस का अजम्पशन लेना पड़ता है। सो व्हाट इज सेटरस पैरिबस, सेटरस पैरिबस का मतलब है कि प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स को आप क्या करो, कांस्टेंट अज्यूम करो, राइट। और यही चीज आपको हर एक पॉइंट में अब ये याद रखनी है, जब मैं इसके बारे में बात करूंगा अगेन आपको सेटरस पैरिबस याद रखना है, मतलब जब मैं ये पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो बाकी सारे डिटरमिनेंट्स को आपको क्या करना है, कांस्टेंट समझना है। मैं जब आपको बताऊंगा कि इनकम के वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, जब ये आपको मैं समझाऊंगा तो आपको बाकी सारे डिटरमिनेंट्स को क्या करना है, कांस्टेंट अज्यूम करना है। तो जब मैं कोई एक डिटरमिनेंट की बात करता हूं तो बाकी डिटरमिनेंट को कांस्टेंट रख के सोचना है कि सिर्फ अगर इनकम चेंज हुई तो क्या असर पड़ेगा डिमांड पे, ऐसा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इधर आइए। सो बोलते हैं प्राइस ऑफ द गुड हो गया, क्या प्राइस एक डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड है, यस। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी ही प्राइस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज आप सब लोग ध्यान देंगे यहां पे, ठीक है ना, आप यहां पे सब लोग ध्यान देंगे। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपको बोलूं कि कार कार की प्राइस और कार का क्वांटिटी डिमांडेड, अगर समझो कार की प्राइस बढ़ जाती है ना तो कार का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या होगा, ये गिर जाएगा, ऐसा। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जिस प्रोडक्ट के डिमांड की बात कर रहा हूं ना उसका ही प्राइस, जिस प्रोडक्ट के डिमांड की बात कर रहे हैं ना उसका ही प्राइस एक डिटरमिनेंट होता है इसके डिमांड का। अब दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा बेटा पॉइंट आपको बोलता है, जल्दी देखें, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब कि बोलता है कि अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे कार का डिमांड देख रहे हैं ना, तो अब हम कार की प्राइस नहीं इसके रिलेटेड गुड की प्राइस देखेंगे। अब जल्दी से देखें, बोलते हैं कि कार का बेटा रिलेटेड गुड एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, कार का एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, क्या है एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेट्रोल, अगर मुझे कार चलानी है, अगर पेट्रोल वाली कार है, ठीक है ना, इसमें टाइम पास मत करना सर, बैटरी वाली रही तो डीजल वाली रही तो धनाधन फटके लगेंगे, क्या बोल रहा हूं, अगर पेट्रोल वाली कार है तो क्या करेगा, क्या होगा, कार चलाने के लिए पेट्रोल लगेगा उसके अंदर, यस और नो, हाँ, तो कार चलाने के लिए हमें पेट्रोल लगेगा, तो पेट्रोल क्या हो जाएगा बताओ, पेट्रोल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटरी गुड कार का, मतलब कार को कार के साथ इसको यूज करना पड़ता है तब जाके कार चल पाती है, तो कार और पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। ओके, मुझे बताइए अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो लोग क्या बोलेंगे, यार पेट्रोल तो बहुत महंगा है, एक काम करो जो पेट्रोल वाली कार होती है ना उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दो। आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है, पहले पॉइंट में हम क्या बोल रहे थे, हम पहले डिटरमिनेंट में क्या बोल रहे थे कि जिसका मैं जिसका डिमांड देख रहा हूं ना उसका ही प्राइस चेक करो, दूसरे में क्या बोल रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हम जिसका डिमांड देख रहे हैं उसके रिलेटेड गुड का प्राइस चेक करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेस। तो बोलते हैं सर रिलेटेड गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, आइए देखेंगे। बोलते हैं रिलेटेड गुड्स जो है ना बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट्री या कम्पीटिंग गुड्स, है ना, तो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को सप्लीमेंट्री या कम्पीटिंग गुड्स भी बोल सकते हैं।
ध्यान देंगे, बोलते हैं यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं विच आर यूज टूगेदर। सो गुड्स विच आर यूज टूगेदर, है ना, जैसे कार को चलाने के लिए उसमें साथ में पेट्रोल चाहिए, पेन चलाने के लिए उसमें रिफिल होनी चाहिए, समझ मारी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम सिर्फ शर्ट पहन के निकलेंगे क्या, नहीं, शर्ट के साथ नीचे पैंट भी होना चाहिए, ट्राउजर होना चाहिए। तो शर्ट और पैंट, शर्ट एंड ट्राउजर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। ऐसे गुड्स जिनको साथ में यूज करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। अगली बात, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है सर, सब्स्टिट्यूट या सप्लीमेंट्री या कंपीटिंग गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स विच सैटिस्फाई द सेम वांट। मतलब जैसे अगर समझो हमको कुछ पीना है, तो अगर चाय नहीं रही तो कॉफी से काम चला लेंगे, तो चाय कॉफी हो जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर समझो पेप्सी नहीं रही तो हम कोका कोला से काम चला लेते हैं, पेप्सी कोका कोला क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर बॉल पेन नहीं है, डॉट पेन नहीं है, तो हम इंक पेन से काम चला सकते हैं, क्या हो गया ये, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऐसा, ठीक है। सो मैंने आपको अभी जस्ट क्या किया, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है। जैसे मैं जब कार की डिमांड देख रहा हूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा ना, तो कार का डिमांड क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब कि इसके बढ़ने पे ये गिर रहा है, या उल्टा सोचो मुझे बताइए, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे वाह कितनी अच्छी बात है, पेट्रोल सस्ता हो गया, चलो अब पेट्रोल वाली कार खरीदते हैं ज्यादा, तो क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये गिर रहा है, तो क्या होगा बताइए, इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन होना। तो याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है कि इनवर्स रिलेशन होता है, इसमें हमारे प्रोडक्ट के डिमांड में एंड उसके रिलेटेड गुड के प्राइस में, याद रखना है ना। और यहां पे भी क्या था, हमारे इनिशियली प्राइस ऑफ द गुड में, कि हमारे प्रोडक्ट के डिमांड में एंड हमारे ही प्रोडक्ट के प्राइस में, यहां पे भी इनवर्स रिलेशन ही है, ठीक है ना। तो मुझे बताइए प्राइस ऑफ कार एंड क्वांटिटी ऑफ कार, क्वांटिटी डिमांडेड कार, इसमें भी इनवर्स रिलेशन है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल, इसमें भी क्या है, इसमें भी इनवर्स रिलेशन होता है ना। फिर मुझे बताइए जल्दी से, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है ना, हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। मुझे बताइए पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है ना, मैं अगर कोका कोला का डिमांड देख रहा हूँ, पेप्सी का प्राइस देख रहा हूँ, समझो अगर पेप्सी महंगी हो जाएंगी तो लोग बोलेंगे यार पेप्सी महंगी होगी, छोड़ो उसके जैसा ही है कोका कोला, वो खरीद लो, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर समझो पेप्सी का प्राइस जो है वो गिर गया, पेप्सी का प्राइस गिर गया, तो लोग बोलेंगे यार कोका कोला छोड़ो, पेप्सी सस्ता सस्ती मिल रही है, पेप्सी खरीदो ज़्यादा, तो क्या होगा, तो कोका कोला का डिमांड गिर जाएगा। यहाँ पे देखे, इसके बढ़ने पे ये भी बढ़ रहा है, इसके गिरने पे ये भी गिर रहा है, मतलब यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ कोका कोला एंड प्राइस ऑफ पेप्सी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हम डायरेक्ट रिलेशनशिप को पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, डन डन डन, ओके आगे बढ़े नेक्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन है, किसमें इनवर्स रिलेशन है, हमारे गुड के डिमांड में एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन है, किसमें, हमारे गुड के डिमांड में एंड सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में, समझ मारा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोलता है कि डिस्पोजेबल इनकम जो होता है ना कंज्यूमर का, वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। अब जब मैं ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बाकी सारे पॉइंट को कॉन्स्टेंट रखना है। जब मैं यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन बोल रहा था, तो हम जब इस डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे, तो बाकी डिटरमिनेंट्स को कांस्टेंट रखना है ना, हमेशा दिमाग में सेटरस पेरिबस चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, ध्यान देंगे, बोलते हैं कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होती है ना, तो वो जनरली डिमांड भी ज़्यादा करता है चीज़ों को, जनरली ऐसा देखा जाता है ना, कि इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन बोलते हैं ये जो रिलेशनशिप है ना, इनकम और डिमांड का जो रिलेशनशिप है ना, बोलते हैं वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गुड्स। मतलब आइए इधर बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, बोलते हैं एक होते हैं बेटा नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें जिसका डिमांड बढ़ता है लोगों के इनकम के बढ़ने पे। जनरली आप जब सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद आपको समझो जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद आपको इनकम मिलना चालू होगी, क्या सोचोगे आप सबसे पहले, आप बोलोगे यार चलो घर पे ना एक अच्छा एसी लगाता हूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल, घर पे ना एक अच्छा टीवी लगा लेता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ एक नई बाइक ले लेता हूँ, एक नया कार ले लेता हूँ, है ना, हम घर पे नया फर्नीचर बना लेते हैं। ये सब क्या होता है, नॉर्मल गुड्स। इसका मतलब क्या है कि इनकम के बढ़ने पे इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा आता है बेटा एसेंशियल कंज्यूमर गुड, ये क्या होते हैं,
बोलते हैं जैसे कि फूड है ना, जैसे कि कुकिंग ऑयल, जैसे कि फ्यूल है ना, पेट्रोल, वो भी क्या एक एसेंशियल कंज्यूमेबल है आजकल। हमको अगर अगर समझो 500 मीटर भी जाना होता है ना घर के पास, 500 मीटर जाना होता है, हम चल के नहीं जाते, उसमें भी टू व्हीलर लेके जाते हैं। तो हमारे लिए पेट्रोल अब कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, एक बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है वो भी, राइट। तो बोलते हैं कि हम एसेंशियल कंज्यूमर गुड को नेसेसिटीज भी बोल सकते हैं। बोलते हैं इनके केस में क्या होता है, इनकम के चेंज होने पे इनका डिमांड कैसे चेंज होता है। बोलते हैं देखो जनरली क्या होता है, अगर समझो किस कोई व्यक्ति जो है वो लंच में 3 रोटी खाता है, ठीक है, अब उसका ना प्रमोशन हुआ और उसकी इनकम 3 गुना हो गई, समझो 3 टाइम्स हो गई, तो क्या वो खाना भी 3 गुना बढ़ा देगा क्या? पहले 3 रोटी खाता था, अब 9 रोटियां खाएंगे, ऐसा होगा क्या? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक व्यक्ति है समझो जो 10,000 रुपये कमाता है, वो 3 रोटी खाता है लंच में, ठीक है, लेकिन उसकी इनकम बाद में हो गई 30,000 रुपये, 3 गुना बढ़ गई, तो क्या वो खाना भी 3 गुना बढ़ा देंगे, ऐसा होता क्या? ऐसा नहीं होता। बोले देखो इनकम के बढ़ने पे एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स का डिमांड बढ़ता है, बट द इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन प्रपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम 3 गुना बढ़ी तो खाना भी 3 गुना बढ़ा देंगे, ऐसे जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा एकदम सेम प्रपोर्शन में बढ़ाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं कि इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है किसकी? नेसेसिटीज की। लेकिन लेकिन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड विल बी लेस देन प्रपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन इनकम। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा ड्यूरेबल गुड्स की। नेक्स्ट बात क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। बोलते हैं जैसे कि टीवी, कार, हाउस, ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का दूसरा मतलब होता है बेटा गुड्स विच कैन बी यूज मोर देन वंस, है ना, गुड्स विच कैन बी यूज मोर देन वंस। हम जिन चीजों को बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीवी, जैसे कि कार, जैसे कि हाउस, है ना। क्या एक बार आपने टीवी खरीद लिया, आपने एक बार टीवी देख लिया, क्या अगले दिन नया टीवी लाना पड़ता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं, जो कल लिया था वही टीवी बार बार यूज कर सकते हैं ना। समझो आज मैंने कार खरीदी, वो कार मैंने आज यूज कर ली, अब कल मुझे कार चलानी तो वापस से नया कार लेना पड़ता है क्या? नहीं, वही वाली कार यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे पीरियड तक चलते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। बोलते हैं जैसे जैसे लोग रिच होते जाते हैं ना, एज पीपल बिकम रिचर, क्या होता है, लोगों के लिए जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ना उसकी इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हो जाती है। मतलब बोलते देखो नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होते हैं पता है क्या? गुड्स विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, मतलब या गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, मतलब कि जैसे खाना, अगर मैंने एक बार बर्गर खा लिया तो जो बर्गर हमने खा लिया है क्या वही वाला वापस खा सकता है क्या? नहीं, नया बर्गर लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? समझ मारा ना, बर्गर, अगर बर्गर एक बार खा लिया, जो खा लिया है वही वाला बर्गर वापस खा सकते? नहीं, नया लेना पड़ेगा। दिस इज अ नॉन ड्यूरेबल गुड, एक बार यूज हो गया तो हो गया, अब दूसरी बार यूज करना है नया ले। बोलते हैं क्या होता है, जब व्यक्ति गरीब होता है ना तो उसके लिए खाने के भी वांदे होते हैं। तो गरीब जब जब गरीबी बहुत ज्यादा होती है ना तो टेंशन रहता है कि यार हमको खाना मिलेगा कि नहीं तीनों समय। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता है ना तो क्या होता है, उसके लिए खाने का इंपॉर्टेंस कम होता है। इंपॉर्टेंस कम होता है मतलब उसको टेंशन कम हो जाता है। जो व्यक्ति अमीर है उसको ये टेंशन कभी नहीं आता कि यार मुझे आज आज शाम को खाना मिलेगा कि नहीं, उसको ये टेंशन नहीं रहता। समझ पा रहे? जब गरीब था व्यक्ति तब उसको ये टेंशन था कि खाना मिलेगा कि नहीं, पर जब वो अमीर हो जाएगा तो उसको ये खाने का टेंशन चला जाएगा। और अब वो क्या सोचेगा? अब सोचेगा यार मैं टीवी कौन सा खरीदूं, या कौन सा मोबाइल फोन लूं, या मुझे ना एक नया घर लेना है, कहाँ पे लूं। आप समझ रहे? अब उसके आप समझ रहे उसके लिए अब ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसा बोल रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगली बात। फिर बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? ये ऐसे गुड्स होते हैं जो चीप चीप सब्स्टिट्यूट, चीप मतलब सस्ता, लो क्वालिटी के चीजें होते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है ना, हम ऐसी चीजों का डिमांड कम कर देते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता है ना, वो बोलता है यार अब ये इन्फीरियर नेचर का थोड़ी खरीदूंगा, अब तो मैं ज्यादा अच्छे क्वालिटी की चीजें खरीदूंगा, ब्रांडेड चीजें खरीदूंगा। तो व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती है ना तो वो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देता है, करेक्ट। फिर बात आती है बेटा लग्जरी गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स। क्या बात आती है? लग्जरी गुड्स या प्रेस्टीज गुड्स। बोलते हैं ये ऐसे गुड्स होते हैं जो खरीदने के लिए आपको पहले एक लेवल तक अमीर होना पड़ता है। जैसे अगर आपको मैकलेरिन जीटी कार खरीदनी है जो 4.5 करोड़ रुपए की है, इसके लिए पहले खुद आपको करोड़पति बनना पड़ेगा ना, उसके बाद तुम ये कार के बारे में सोचोगे। आप समझे बाद में क्या बोल रहा हूं? बोलते हैं लग्जरी या प्रेस्टीज गुड्स में क्या होता है, डिमांड राइजेस
बियॉन्ड अ सर्टन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, पहले एक लेवल तक अमीर होना पड़ेगा, उसके बाद तुम क्या कर पाओगे, इसको खरीद पाओगे, राइट right? अच्छा यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा है, अ सेम गुड मे बी नॉर्मल फॉर वन कंडीशन एंड इन्फीरियर इन अनदर। इसका मतलब क्या है, बोलते हैं कि इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है ना, जब व्यक्ति गरीब होता है ना तो उसको लगता है कि जब व्यक्ति गरीब है ना उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, तो बोलता है यार चलो इन्फीरियर गुड ही खरीद लेता हूँ, चीप सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ अभी नहीं ले सकता। मतलब कि जब व्यक्ति गरीब होता है ना उसको इन्फीरियर गुड ही नॉर्मल गुड लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो अमीर होता है ना तब उसको समझ में आता है यार मैं जो अभी तक खरीद रहा था ना वो तो बहुत ही लो क्वालिटी था, चलो अब अच्छा क्वालिटी खरीदते हैं। तो इन्फेयर गुड्स में क्या होता है, ये अ सेम गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन कंडीशन एंड इन्फीरियर इन अनदर, ये समझ में आ रहा है। अब तो याद क्या रखना है आपको इन्फेयर गुड में, कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड गिरती है। अब मुझे जल्दी से आप बताइए एक बात कि सर आपने हमें क्या बताया, सर आपने हमें ये बताया कि मैंने आपको सबसे पहले बताया नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड क्या होता है कि इनकम के बढ़ने पे इसका डिमांड बढ़े, ये होता है नॉर्मल गुड। ये एक प्रकार का बेटा क्या है, दिस इज अ जनरल स्पेसिफिक, ये दिस इज अ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, है ना। फिर क्या करेंगे, अगर मैं इसका स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करना चाहूं, मैं अगर स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो फिर इसमें आता है बेटा एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, या जिसे हम बोलते हैं नेसेसिटीज, एंड दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या आता है आपका लग्जरी गुड्स, लग्जरी या प्रेस्टीज गुड्स। समझ में आ रही बात है। देखो नॉर्मल गुड क्या है, ऐसा गुड जिसमें इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़े। क्या इसमें ऐसा होता है क्या, हाँ। क्या इसमें ऐसा होता है, हाँ। एक बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने बोला कि आयुष, मैंने बोला आयुष और पार्थ, ठीक है ना, मैंने बोला आयुष और पार्थ, ठीक है ना, समझो ये जो है ना, ये जो है ये पुणे से हैं और ये मुंबई से हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों बिलोंग कहाँ करते हैं, क्या दोनों महाराष्ट्र के हैं क्या, हाँ, क्या दोनों महाराष्ट्र के हैं, हाँ। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो वैसे तो दोनों महाराष्ट्र के हैं, ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन, लेकिन स्पेसिफिक देखना हो तो बोलेंगे अच्छा आयुष पुणे का है और ये मुंबई का है। तो वैसे ही मैंने आपको जब बोला फूड एक नेसेसिटी है, क्या ये नॉर्मल गुड भी है क्या, हाँ ये नॉर्मल गुड भी है। स्पेसिफिक पूछना है तो नेसेसिटी है, पर क्या ये नॉर्मल गुड भी है, हाँ। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे नॉर्मल गुड में हमने टीवी लिखा था, फर्नीचर लिखा था, है ना, और वही चीज़ आपके अच्छा यहाँ पे एक और आएगा ना आपका, ये क्या बोलते उसको, वही चीज आपके ड्यूरेबल गुड में भी लिखा था, टीवी फर्नीचर। समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो जैसे फूड क्या नेसेसिटी है, हाँ। क्या नॉर्मल गुड है, हाँ ये भी है। तो आपको ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि फूड क्या है बताओ, नेसेसिटी के नॉर्म, ऐसा टाइम पास नहीं करेगा वो, उसको मालूम है। वो एमसीक्यू आपको इस प्रकार से पूछेगा, बोलेगा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इनकम के बढ़ने पर डिमांड गिर जाता है, इन्फीरियर गुड। आपको ऐसा पूछेगा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ता तो है बट द इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन इनकम, तो बोलेंगे एसेंशियल कंज्यूमर गुड। इस प्रकार के सवाल पूछेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट, अगली बात देखेंगे डिस्पोजेबल इनकम हो गया, अगला देखेंगे नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ कंज्यूमर। बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज पे भी डिपेंड करता है एक प्रोडक्ट का डिमांड। बोलते हैं जनरली क्या होता है, जो चीज़ें ज़्यादा मॉडर्न होती है, ज़्यादा फैशनेबल होती है, उनका जनरली ज़्यादा डिमांड होता है। यस, लग्जरी भी नॉर्मल गुड है, क्यों लग्जरी गुड्स नॉर्मल गुड है बताइए, क्योंकि क्या इसमें भी ऐसा होता है क्या कि इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, हाँ। तो ये भी एक प्रकार का, समझ में आ रहा है ना, जैसे मैंने बोला कि स्पोर्ट्स कार, मैंने जैसे कि बोला स्पोर्ट्स कार, क्या ये लग्जरी गुड है, हाँ। क्यों लग्जरी गुड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा पहले। क्या ये नॉर्मल गुड है क्या, हाँ, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत अमीर होता है तो वो ज़्यादा स्पोर्ट्स कार खरीदेगा, ऐसा। तो ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन, ये हो गया स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन चीज़ों का, ठीक है। अब आएंगे वापस, है ना, ये आपको बहुत कम जगह पर बताया जाएगा क्योंकि इसके लिए लॉजिक पता होना चाहिए, है ना। चलो आगे देखेंगे, बोलते जनरली क्या होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा मॉडर्न होती है, ज़्यादा फैशनेबल होती है, वो क्या होती है, उनका जनरली हायर डिमांड होता है, उनका ज्यादा डिमांड होता है। कॉमन सेंस की बात है, जो पुराने जमाने की चीजें रहेंगी वो थोड़ी ना हम ज्यादा खरीदेंगे,
तो जो ज्यादा मॉडर्न रहेगी, ज्यादा फैशनेबल रहेगी, वो चीजें हम ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन लेकिन जो है ना बेटा, बहुत बार बोलते हैं आपके जो प्रेफरेंसेस है ना, वो अफेक्ट होते हैं चार प्रकार के इफेक्ट से। मतलब कि चार ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिसके वजह से आपका टेस्ट प्रेफरेंसेस बदल सकता है। पहली बात आती है बेटा, पहला होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसको बोलते हैं देखा देखी, है ना। यहाँ इसको थोड़ा सा बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ना जेलेसी फैक्टर भी होता है, चेक करेंगे। बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, ये इफेक्ट दिया गया था बेटा किसने, जेम्स ड्यूसेन बरी ने। जेम्स ड्यूसेन बरी ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिया था। इन्होंने बोला था कि लोगों के अंदर ऐसी इच्छा होती है दूसरों को एम्यूलेट, दूसरों को कॉपी करने की, है ना। बोलते हैं कि क्या होता है कि जैसे ही हम हमारे पड़ोसी के पास नई कार देखते हैं, तो हमको भी इच्छा होती है कि अगर मेरा पड़ोसी नया कार खरीद सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। मैं मेरे पड़ोसी से कम थोड़ी ना हूं। मेरे दोस्त ने नया मोबाइल फोन लिया, मैं भी नया मोबाइल फोन लूंगा। मैं मेरे दोस्त से कम थोड़ी ना हूं। ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी, दूसरों को देख के हमको भी इच्छा हो रही है कि हम उसको कॉपी करें। लेकिन बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है बेटा, बैंड वैगन इफेक्ट जो है ना, ये होता है भेड़ चाल। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, ये होता है भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो हम भी उस ट्रेंड का पार्ट बनना चाहते हैं, है ना। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं और हम भी उस ट्रेंड का पार्ट बनना चाहते हैं। हम भी उस ट्रेंड का पार्ट बनना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना बात। हाँ, जैसे आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स है, तो हमको भी स्मार्टफोन्स चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि फिर तभी तो हम बाकी सब लोगों के साथ, हमारे फ्रेंड सर्कल में तभी तो हम रह पाएंगे अच्छे से, तभी तो वो लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तभी तो बार बार हमारे साथ फिर इमेजेस शेयर कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो स्मार्टफोन खरीदना ये क्या हो सकता है, एक बैंड वैगन हो सकता है कि चूंकि आजकल सबके पास ही स्मार्टफोन है ना, तो हमको भी स्मार्टफोन चाहिए। ये हो गया बैंड वैगन। यहाँ पे कोई जेलेसी फैक्टर नहीं है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसा सब लोग कर रहे हैं ना, वैसा हम भी करें, ताकि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर है कि यार मेरा पड़ोसी कुछ कर ले पा रहा है क्या, तो मैं भी ले सकता हूँ, मैं उससे कम नहीं हूँ, ऐसा। चलिए बोलते हैं, याद रखेंगे, आपका बैंड वैगन में क्या आएगा, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। याद करो, मैंने ना ये चीज ना लिखवाया था बच्चों को हमारे क्लास में। एक मिनट रुके, बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, मैंने ऐसा लिखवाया था एक जगह पे। चेक करो, आपको ये चीज़ बेटा याद रखनी है। आपको ना बेटा, बैंड वैगन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है स्नॉब इफेक्ट, ठीक है ना। बैंड वैगन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है स्नॉब इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या बोलता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो हम भी वो खरीदना चाहते हैं। तो बैंड वैगन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। एंड स्नॉब इफेक्ट क्या है, स्नॉब इफेक्ट का मतलब है कि हमको ना, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि हम बाकियों से अलग दिखने चाहिए। एग्जैक्टली इसका उल्टा है। बैंड वैगन क्या बोल रहा है, हम बाकियों जैसा लगना चाहते हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं, हम बाकियों जैसा नहीं लगना चाहते, हम बाकियों से अलग लगना चाहते हैं। हमारे पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है। तो बोलते हैं जैसे ही कोई चीज कॉमन हो जाएंगी ना बहुत ज्यादा, हम उसको खरीदना बंद कर देंगे, वरना हम में और बाकियों में क्या फर्क रह जाएगा। दिस इज स्नॉब इफेक्ट। तो सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है, बस इंक्रीज का यहां पे डिक्रीज हो जाता है। तो ध्यान देना है एमसीक्यू में। सो स्नॉब इफेक्ट इज व्हाट, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिक्रीज ड्यू टू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। क्या बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, यस नो, क्या आप सबको बात समझ में आ रही है, हेलो, यस। तो एग्जैक्टली अपोजिट है इसका, ध्यान देंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो इसको हम भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना।
तो बोलते हैं हम बैंड वगन में चीजें खरीद रहे हैं क्यों, ताकि हम भी फैशनेबल लगे, हम भी स्टाइलिश लगे बाकियों की तरह, है ना, इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द पीपल दे विश टू बी एसोसिएटेड विद। लेकिन स्नॉब में क्या हो रहा है, स्नॉब इफेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम जो चीज कॉमन हो जाती है ना, जो चीज कॉमन हो जाती है वो हम अब नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि हम में और बाकियों में फिर क्या फर्क रह जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। तो बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट में इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिक्रीज ड्यू टू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। यहाँ पे लोगों के अंदर इच्छा है बाकियों से अलग दिखने की, डिजायर टू बी एक्सक्लूसिव, हम बाकियों से अलग दिखना चाहते हैं, हम बाकियों से डिफरेंट दिखना चाहते हैं, कॉमन हर्ड से अलग दिखना चाहते हैं। यहाँ पे क्या था, हम कॉमन हर्ड के जैसा लगना चाहते हैं। हर्ड मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ शीप्स। तो ग्रुप ऑफ पीपल हमारे कंट्री में जैसे ज्यादातर लोग कर रहे हैं ना, वो हम करना चाहते हैं बैंड वैगन, जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते, स्नॉब इफेक्ट, ठीक है। आगे एंड फिर बात आती है बेटा नेक्स्ट वेबलेन इफेक्ट की। वेबलेन इफेक्ट बेटा दिया गया था थॉस्टिन वेबलेन भाई साहब ने दिया था। इन्होंने बोला था कि जनरली जो हाईली प्राइस गुड्स होते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा महंगे गुड्स होते हैं, वो लोगों को इच्छा होती है, कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि हम महंगे गुड्स खरीद के दूसरों को दिखाएंगे कि देखो हम कितने अमीर हैं, हमारा क्या स्टाइल है, क्या क्लास है, क्या पैसा है। दिस इज वॉट दिस इज बैड, दिस इज वेबलेन इफेक्ट। बोलते हैं बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स इन ऑर्डर टू शो ऑफ, है ना। सो बोलते हैं हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम एज स्टेटस सीकिंग रिच पीपल फॉर कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। मतलब दूसरों को दिखाने के लिए, है ना, दूसरों को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीद रहे हैं, ये समझ पा रहा है, दिस इज वॉट कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, है ना, या वेबलेन इफेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो महंगे चीजें खरीद रहे हैं ताकि दूसरों को दिखा सके कि देखो देखो मेरे पास जो वॉच है ना ये 15,000 की है, मेरा जो मोबाइल फोन है ना 1.5 लाख रुपए का है, जान बूझ के खरीद के ऐसे दिखा रहे सबको कि देखो देखो कितना अमीर है। ये क्या हो जाता है, वेबलेन इफेक्ट, ठीक है ना, शो ऑफ करना, राइट। तो याद रखेंगे बेटा डेमोन्स्ट्रेशन एंड बैंड वैगन सेम नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, देखा देखी, है ना, यहाँ पे जलेसी फैक्टर था, लेकिन बैंड वैगन में क्या था, ये भेड़ चाल है, हम यहाँ पे किसी ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहे हैं, दिस इज बैंड वैगन, राइट। एक और चीज आता है, स्नॉब इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। मतलब क्या है, बताओ जल्दी से। इसका मतलब ये है कि जब स्नॉब इफेक्ट डिपेंड करता है दूसरों के कंजम्पशन पे, अगर कोई चीज बहुत सारे लोग खरीद रहे ना तो हम वो नहीं खरीदना चाहते। तो स्नॉब इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। लेकिन वेबलैंड इफेक्ट इज व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना। मतलब क्या है, जो चीज ज्यादा महंगी होगी ना उसको ज्यादा खरीदेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ अमीर लोग ऐसा करते हैं, क्यों, ताकि महंगी चीजों को खरीद के शो ऑफ कर सके। सो वेबलैंड इफेक्ट डिपेंड करता है किस पे, चीजों के प्राइस पे, धनों की बात। चलो आगे नेक्स्ट, तो अगली बात देखेंगे, हमारा क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया। अगली बात देखेंगे, यस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन चेक करेंगे। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में क्या है चेक करें। बोलते हैं इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस और इंक्रीज इन फ्यूचर इनकम शॉर्टेज ऑफ गुड्स देन करंट डिमांड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब हम जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट का प्राइस ना फ्यूचर में बढ़ने वाला है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो फिर क्या करेंगे, उसको आज हम क्या करेंगे, ज्यादा खरीद लेंगे। दूसरी बात, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी इनकम जो है ना फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो हम आज क्या करेंगे, बोले धनाधन खर्चा करो, जब फ्यूचर में इनकम बढ़ने ही वाली है तो आज जो पैसा पड़ा है ना उसको खर्चा करो। तो अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है तो आज ज्यादा चीजें खरीदते हैं। एंड फाइनली शॉर्टेज ऑफ गुड्स, हम जो खरीदना चाहते हैं फ्यूचर में उसकी डिमांड कम होने, हम जो खरीदना चाहते हैं फ्यूचर में उसका सप्लाई कम होने वाला है, वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहेगा नहीं, भैया जल्दी खरीद लो वरना मिलेगा नहीं बाद में, तो क्या होगा, हम आज डिमांड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे करंट डिमांड बढ़ा देंगे, तो जब ये चीजें होती हैं तो हम करंट डिमांड बढ़ा देते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, समझो मैं जो खरीदना चाहता हूं उसका फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, फ्यूचर की प्राइस मुझे लग रहा है गिर जाएगी, तो एक काम करो ना आज मत खरीदो, जब फ्यूचर में सस्ता होगा तब खरीद लेना, तो आज का डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। अगला है बेटा अदर फैक्टर्स, चेक करेंगे अदर फैक्टर्स। चलिए तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या आता है, सबसे पहली बात आती है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। बोलते हैं कि जनरली जिस कंट्री में
साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहां पे चीजों का डिमांड भी ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात है। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन हायर विल बी द डिमांड, है ना, ज्यादा लोग रहेंगे चीजें खरीदने के लिए तो डिमांड ज्यादा रहेगी। अगली अगली बात आती है बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बोलते हैं समझो अगर आपके कंट्री में बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, ओल्ड पीपल अगर ज्यादा हैं, तो बुजुर्ग लोगों को जो चीजें चाहिए होंगी जैसे स्पेक्टेकल्स, जैसे स्टिक्स, वॉकिंग स्टिक, उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपके कंट्री में जो पॉपुलेशन है, जो लोग है, उसमें बच्चे अगर ज्यादा हैं, तो बच्चों को जो चीजें चाहिए रहेंगी जैसे कि खिलौने, टॉफी, इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। बोलते हैं इफ देयर इज माइग्रेशन फ्रॉम, है ना, इफ देयर इज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, है ना, लोग आजकल क्या करते हैं कि गांव से सिटीज में जाते हैं, क्यों, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो क्या होगा जब रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में जाएंगे, तो रूरल एरिया में लोग कम हो जाएंगे, तो रूरल एरिया में चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, समझ रहे हैं, और अर्बन एरिया में डिमांड बढ़ेगी क्योंकि अर्बन एरिया में ज्यादा लोग जा रहे हैं इसलिए। तो जब लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड इन रूरल एरियाज, ठीक है ना। फिर अगली बात आती है बेटा आपका लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे दो चीज है, बोलते हैं कि नेशनल इनकम का लेवल एंड नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों अफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट के डिमांड को, है ना। इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे यलगार बैच में पढ़ाया था, ये हमारे यलगार बैच के ही हमारे हैंडरिटन नोट्स है जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, है ना। सबसे पहली बात प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कि एक व्यक्ति अपने इनकम का कितना परसेंटेज स्पेंड कर देता है, इसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जनरली क्या होता है बेटा, ये आपको जनरली क्या होता है कि जैसे रिच व्यक्ति है, समझो महीने का 5 लाख रुपए कमाता है और महीने का 2 लाख खर्चा करता है, कितना परसेंटेज खर्चा किया, 2 लाख/5 लाख 40% खर्चा किया, तो रिच व्यक्ति का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया, 40%। लेकिन पुअर का क्या होता है, बोलते हैं वो इनकम ही बहुत कम कमाता है, 5,000 रुपये पर मंथ इनकम ही बहुत कम है, और खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो खर्चा ही हो जाता है, कुछ सेविंग नहीं कर पाता, ये अपने इनकम का ज़्यादा परसेंटेज खर्चा कर देता है। यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं चल रही है, परसेंटेज की बात चल रही है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड की बात चल रही है। तो याद रखना है हमको 40-80 याद नहीं करना है, हमको याद ये रखना है कि पुअर व्यक्ति का प्रपोर्शन ऑफ क्या पीटीसी इज मोर देन रिच। पुअर व्यक्ति अपने इनकम का ज्यादा प्रतिशत खर्चा कर देता है क्योंकि इनकम ही बहुत कम होती है, समझ में आ रहा है। तो याद रखेंगे कि रिच व्यक्ति का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन पुअर पुअर व्यक्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना। तो आइए वापस आएंगे, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोलते देखो पहली बात, हायर द नेशनल इनकम हायर द डिमांड। अगर आपके कंट्री में नेशनल इनकम ज्यादा है, नेशनल इनकम मतलब हमारे कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं सबकी इनकम को अगर हम जोड़ दें तो जो मिलता है अमाउंट उसे मिलता है नेशनल इनकम। अगर हमारे कंट्री में नेशनल इनकम ज्यादा रहेगी, मतलब लोग ओवरऑल वे में ज्यादा इनकम कमाते हैं, तो चीजों की डिमांड भी ज्यादा होगी, सिंपल। दूसरी बात फिर बोलते हैं रिच लोगों का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू पुअर, याद आ रहा है मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अगली बात बोलते हैं, ये बात क्या होगी हमारे लेवल ऑफ नेशनल इनकम की। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की, बोलते हैं कि देखो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन या तो अनइवन हो सकता है या तो इवन हो सकता है। इसका मतलब मैंने बताया था, है ना, इसका मतलब बताया था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कंट्री में रिच लोग जो है ना वो बहुत ही कम, है ना, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है। जैसे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अमीर हैं और उनके हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं जिनके हाथ में पैसा बहुत ही कम है, इसे बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है इनकम में। एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, नेशनल इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि नेशनल इनकम ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में। सर इंडिया में क्या है, इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, राइट। तो अब क्या होता है, बस हमें याद रखना है, मैं अब और डिटेल में नहीं जा सकता इसके, अभी वन शॉट चल रहा है, याद रखें। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है ऐसी कंट्री का, चीजों की डिमांड कम होती है यहाँ पे। लेकिन इवन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूरे कंट्री का ज्यादा होता है एंड यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है ना। इसका लॉजिक मैंने मेरे रेगुलर बैच फास्ट ट्रैक बैच में बताया था, अभी आप यहाँ पे वन शॉट में बस आपको पॉइंट याद करवा रहा हूँ वापस। नेक्स्ट अगली बात आती है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बोलते हैं बैंक लोन। बोलते हैं समझो अगर आपको चीजों को खरीदने के लिए आसानी से बैंक लोन मिल जाए, आसानी से क्रेडिट मिल जाए, तो आप ज्यादा खरीदोगे, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेंगे, अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो मुझे बताइए
कि क्या क्या उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? यस, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो अगर हमें कम इंटरेस्ट रेट में अगर लोन मिलेगा तो हम ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो दो पॉइंट है यहाँ पे। पहला है कि अगर लो इंटरेस्ट रेट में लोन मिला तो ज्यादा खरीदेंगे, अगर हमें लोन आसानी से मिल रहा है ज्यादा अमाउंट का तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। लेकिन ये किस में होगा? ये होगा ड्यूरेबल गुड्स के केस में, नॉन ड्यूरेबल में नहीं। टीवी, कार, एसी, फ्रिज, हाउस, है ना, ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उनके केस में हम जनरली लोन लेते हैं। समझो आप रेस्टोरेंट में गए मसाला डोसा खाने, क्या उसके लिए बैंक से लोन लेके पैसा दोगे क्या? जनरली फूड के लिए हम लोन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एंड फाइनली गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। तीन चीजें हैं इसमें। पहली बात है इसमें टैक्स, सब्सिडी एंड देन बैन। बोलते हैं अगर गवर्नमेंट ने बेटा टैक्स बढ़ा दिया किसी चीज पे तो क्या होगा? वो चीज महंगी हो जाएगी तो लोग उसका डिमांड कम कर देंगे। समझो गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी किसी चीज पे तो क्या होगा? सब्सिडी बढ़ेंगी तो उसका कॉस्ट कम होता है बनाने का, तो प्राइस भी कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे ऐसी चीजों को। एंड देन अगर समझो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, जैसे ड्रग्स के केस में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि ड्रग्स का खरीदना बेचना बैंड है, या रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। गुजरात में रिस्ट्रिक्शन है क्या कि अल्कोहल नहीं बेच सकते? तो अगर बैन है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा? उन चीजों का डिमांड कम हो जाएगा। आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड वाला टॉपिक खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अब आप एक बात को समझना, क्या होता है ना, बच्चों को क्या लगता है सर चार्ट बुक है, चार्ट बुक है, चार्ट बुक है सर, सिर्फ सिर्फ वो चार्ट बना के दे देंगे। भैया ऐसा काम नहीं करता हूं मैं। आप देख सकते हैं कि हमने एकदम आपको जो एग्जाम में जितना जरूरत है ना, पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे दी हुई है और एकदम समराइज जो में दिया हुआ है। तो ये चार्ट सिर्फ नाम पुरते चार्ट नहीं है, ये एक्चुअल में आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। अगर आप ये सुपर चार्ट पढ़ के भी जाते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में। मेरे जो पास स्टूडेंट्स हैं वो यही चीज यही ज्यादा यूज करते हैं रिविजन के लिए, ठीक है ना। तो ये भी अगर आप करके जाते हैं तो भी आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होता है। इसमें सारी चीजें कवर्ड है, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार जल्दी से पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यस गाइज, मैंने ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, आपको ये चार्ट को परचेज करने के लिंक वहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आप ये एडवाइस रहेगा कि प्रिंटेड फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरे कलरफुल फॉर्म में आपको ये चार्ट मिलता है, राइट, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी एग्ज़ाम जो है 40 डेज़ के आसपास बचे हैं, उससे भी कम बचे हैं। आप जल्दी ऑर्डर कर लेंगे तो जल्दी आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी मटेरियल है तो वो यूज करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। चल अब बात करेंगे, नेक्स्ट बात क्या है, अगली बात, नेक्स्ट बात देखेंगे। यस, नेक्स्ट बात है लॉ ऑफ डिमांड, चेक करेंगे। बोलते हैं, हाँ बोलते हैं कि देखो एज पर एल्फ्रेड मार्शल, है ना। अच्छा और एक चीज बता दो, इसके अब बहुत ही ज्यादा कम स्टॉक बचा है और अब इसका अगला सेट प्रिंट नहीं होने वाला है, तो लिमिटेड स्टॉक अब इसका बचा है, है ना। फिर कुछ समय बाद हम ये स्टॉक आउट हो जाएगा, तो इसलिए जो है आपकी मर्जी है, आप देख लें, ठीक है ना। चलो तो लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, देखिए लॉ ऑफ डिमांड पहली बात किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने दिया था, ठीक है ना। दूसरी बात लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बोलते हैं जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है उसका क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाता है, बस यही लॉ ऑफ डिमांड है। बोलते हैं द प्राइस, बोलते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, है ना, एज सेटर्स पैरिबस। यही जो चीज है ना, यही जो चीज है बेटा, यही हमारा क्या है ना, लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है ना। हाँ बेटा, चार्ट बुक का क्या प्राइस है, कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, आप जाके चेक करो ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब दिया है ना, mbsir.in वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्लीज़ अभी ना, प्लीज़ अब मैं बार बार ये टाइम पास नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। प्लीज़ अभी हम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट,
अगली बात देखेंगे, चलिए। सो बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि सेटरस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। बोलते हैं देखो, याद रखेंगे, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया न्यूली एडेड पॉइंट था ये आपके सिलेबस में, ठीक है ना। बहुत से बच्चों ने पढ़ाई नहीं होगा, रेगुलर बैच में भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये ऐसे ही होता है, क्या करें, है ना। मैंने पढ़ाया था, ध्यान दीजिए, मैंने इसमें आपको बताया था कि याद करो आप जल्दी से, हमने आपको बताया था क्या, आपको ये याद रखना जरूरी है कि याद रखना बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड कैन एक्सीड क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड। बोलते ये क्या है, ये किस चीज के लिए लिखा है, ये लिखा है कैन एक्सीड, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। क्वांटिटी डिमांडेड कैन एक्सीड एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, मतलब बोलते देखो क्या बोल रहे हैं, वॉट क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय। बोलता है क्वांटिटी डिमांडेड क्या बताता है ना, कि हम किसी प्राइस पे एक कंज्यूमर कितना मैक्सिमम खरीदना चाहेगा, पर एक्चुअल में उतना खरीदे ही ये जरूरी नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड आपका प्लानिंग बताता है, प्लैंड कि आप कितना प्लान कर रहे हैं खरीदने का, कितनी क्वांटिटी प्लान कर रहे हैं खरीदने का, एक्चुअल में भी उतनी खरीदेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बोलते हैं ऐसा हो सकता है, आपका क्या बताइए, ऐसा हो सकता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कैन एक्सीड क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड। इस पर बहुत चर्चा हमने रेगुलर क्लासेस में फास्ट ट्रैक में किया था, यलगार बैच में। अब समय समाप्त, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, क्वांटिटी डिमांडेड कैन एक्सीड एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट बात, फिर बात आती है डिमांड शेड्यूल। बोलते हैं कि हम लॉ ऑफ डिमांड को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, है ना, जिसमें टेबल के फॉर्म में क्या बताएगा कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी खरीदना चाहेगा अलग अलग प्राइसेस पे। इसका जब मैं टेबल बनाता हूं, इसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल इज व्हाट, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पे, है ना, अब यहां पे ध्यान देंगे। बोलता है देखो क्या बोल रहा है ये, बोलता है देखो यहां पे, प्लीज यहां पे आप देखेंगे कि बोलते हैं यहां पे ना प्राइस दिया है आइसक्रीम का एंड क्वांटिटी डिमांडेड पर वीक। ये क्यों दिया है, पर वीक क्यों लिखा बेटा यहां पे इन्होंने पर वीक क्यों लिखा है बताओ तो जरा सा, क्यों पर वीक लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड एक फ्लो वेरिएबल होता है, इसको समझाने के लिए टाइम पीरियड बताना जरूरी है। बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, ये समझो आयुष का, समझो ये आयुष का डिमांड शेड्यूल है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोलता है, बोलते हैं जैसे अगर 60 रुपये प्राइस रही ना, तो आयुष बोलता है अगर 60 रुपये की आइसक्रीम रहेंगी ना तो एक हफ्ते में मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। बोलते हैं लेकिन अगर 50 रुपये प्राइस हो जाएंगी ना, तो एक हफ्ते में मैं 2 आइसक्रीम जरूर खरीदूंगा। बोलते हैं अगर 40 रुपये प्राइस हो गए ना, तो मैं 40 रुपये में 4 आइसक्रीम जरूर खरीदूंगा एक हफ्ते में, ऐसा। तो अलग अलग प्राइसेस पे हम कितना कितना क्वांटिटी डिमांड करते हैं ये बताता है आपका लॉ, आपका डिमांड शेड्यूल। आप चेक कर सकते हैं जैसे जैसे प्राइस गिर रही है ना, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। यस, इसलिए बोलते हैं कि डिमांड शेड्यूल ओबेज मतलब फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड। क्या ये डिमांड शेड्यूल फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को? यस, जैसे जैसे ये गिर रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। समझ पा रही क्या बात है? अच्छा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे अगर यहां तक मजा आ रहा है तो। मैंने आपको बोला था ये वन शॉट है और हम पूरा करने वाले हैं, ठीक है ना, हम पूरा यूनिट 1 पूरा ही खत्म करेंगे, टेंशन मत लो, चलो आएंगे वापस, है ना। इसलिए स्पीड और स्पीड में चल रहा है क्योंकि वन शॉट है, मैं इससे स्लो नहीं हो सकता, प्लीज बात को समझिए। हम ऑलरेडी, मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी स्लो ही है वन शॉट के लिए भी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, अगली बात, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बच्चों का आता है, है ना, यहाँ पे कुछ बच्चों का आता है कि सर जब 0 हो जाएगा तो फिर सिर्फ 12 आइसक्रीम क्यों खाएंगे? बेटा क्योंकि व्यक्ति की ना एक लिमिट भी होती है। यहाँ पे एक बच्चा बोलता है सर अगर फ्री में मिलेगा ना आइसक्रीम तो हम इन्फिनिट खाएंगे। बेटा तुम कौन हो, तुम क्या व्यक्ति हो कि राक्षस हो? हैं, व्यक्ति हो तुम, एक ह्यूमन बींग हो कि राक्षस हो? हैं, इन्फिनिट कैसे खा सकते हो तुम?
ऐसा होता क्या कभी, जब तुमको भूख लगती है तो इन्फेंट खाते ही जाते गए, खाते ही जाते गए, खाते ही जाते गए, कभी ना कभी तो पेट फुल होगा ना तुम्हारा। तो आयुष क्या बोल रहा है, जब फ्री रहेगा ना तो हम मैक्सिमम 12 आइसक्रीम ही खा सकते हैं एक हफ्ते में। अब कोई बोलेगा सर मैं तो 50 खा लूंगा, तो भैया तुम्हारा डिमांड अलग होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि आयुष ने ये बोला तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, समझ पा रही ना बातें। तो ये कभी भी जीरो पे इनफाइनाइट नहीं होता है, हमारी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को खरीदने की या कंज्यूम करने की। चले आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या बताता है, बोलते हैं जब हम डिमांड शेड्यूल को प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पे तो हमें डिमांड कर्व मिल जाता है। कैसे, बोलते हैं अगर हम यहाँ पे डिमांड शेड्यूल को, अगर हम यहाँ पे बेटा डिमांड शेड्यूल को प्राइस को प्लॉट करेंगे वाई एक्सेस पे, क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सेस पे, तो इससे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स, कैसे मिलते हैं, एक्स कॉमा वाई, बचपन में आपने ग्राफ बनाया होगा, एक्स कॉमा वाई करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेट बनेगा 0.60, 2.50, 4.40, समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा करते 12.0, तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। जब आप ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर देंगे ग्राफ के ऊपर और इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ देंगे, तो इन पॉइंट्स को जोड़ के बेटा आपको क्या मिलता है, इन पॉइंट्स को जोड़ के आपको मिलता है डिमांड कर्व। सो व्हाट इज डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। जब हम डिमांड शेड्यूल को, ए भाई ये टकराए, चलो कोई बात नहीं। So, बोलते हैं कि डिमांड कर्व इज व्हाट, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। अरे भाई बताओ मैं नहीं थका पर ये थक चुका है। अरे यार एक मिनट रुके, मुझे ना इसको थोड़ा एक बार बंद करके चालू करना पड़ेगा, ये इसको पकड़ नहीं पा रहा है, एक मिनट हाँ, एक मिनट ब्रेक ले लो एक हाथ दो। आ गया भाई, चेक करो तो आप। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे चेक करें, यस कम ऑन, हाँ बढ़िया है। बोलते हैं डिमांड कर्व इज क्या, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम प्राइस को प्लॉट करते हैं वाई एक्सेस पे, क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सेस पे। एमसीक्यू आता है कि कौन सी चीज कहाँ पे प्लॉट होती है। बोलते हैं हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बोला, लेफ्ट से राइट में देखना पड़ता है बेटा, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट में देखेंगे, क्या ये लेफ्ट से राइट में ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, नहीं। अगर लेफ्ट से राइट ये ऊपर की तरफ जाता ना तो मैं बोलता अपवर्ड स्लोपिंग, पर ये लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब भी बेटा हम किसी भी ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस में जो प्लॉट करते हैं, अगर इसमें इनवर्स रिलेशन होता है ना बेटा, तो क्या होता है, तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। क्या डिमांड कर्व के केस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है क्या, हाँ, इसलिए ऐसा होता है। कैसे, बोलते देखो अगर मेरा ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी डिमांडेड होता है, अगर मैंने मेरा प्राइस बढ़ा दिया तो क्या होगा, चेक करो, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, है ना, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। अगली बात, बोलते हैं सर हम स्लोप कैसे निकालेंगे डिमांड कर्व का, बोलते हैं स्लोप का फॉर्मूला जनरली होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, है ना, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आपने वाई पे जो प्लॉट किया वाई एक्सेस पे उसका चेंज ले लो, डिवाइडेड बाय आपने एक्स एक्सेस पे जो लिया है उसका चेंज ले लो। तो हमने वाई पे लिया है प्राइस, एक्स पे लिया है क्वांटिटी, इसलिए ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का। लेकिन इसका वैल्यू आता है बेटा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आता है, क्योंकि बेटा याद रखना है आपको कि हमारा जब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है ना तो नेगेटिव वैल्यू होती है स्लोप की, और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व में पॉजिटिव वैल्यू होती है स्लोप की, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस है ना, नेगेटिव आएगा चेंज इन पी या चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं नेगेटिव साइन क्यों होता है स्लोप में,
नेगेटिव साइन क्यों होता है स्लोप में बताइए, क्योंकि बेटा क्योंकि हमारे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए। बोलते हैं सर हमारा डिमांड कर्व क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा क्या? जरूरी नहीं है, ये कर्वी लीनियर भी हो सकता है। मतलब बोलते हैं कि हमारा डिमांड कर्व जो है ना वो जरूरी नहीं कि ऐसा स्ट्रेट लाइन ही हो, वो ऐसा भी हो सकता है ना, वो इस प्रकार से भी हो सकता है, वो कर्वी लीनियर भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, कर्वी लीनियर है ना, कर्व फॉर्म में भी हो सकता है ना। बोलते हैं जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है ना उसमें क्या होता है बेटा, उसमें ना हर पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट आती है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आप स्लोप की वैल्यू निकालोगे ना कांस्टेंट आएंगी, लेकिन कर्वी लीनियर जब भी कोई लाइन होती है ना उसमें हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू बदलते जाती है। तो बोलते हैं कि जब स्लोप की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, तो लीनियर या स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनता है। और कर्वी लीनियर कब बनेगा, जब स्लोप की वैल्यू चेंज होते जाएगी अलोंग दी कर्व, ठीक है, ये लॉजिक होता है। अगली बात देखेंगे नेक्स्ट। फिर आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। हमने अभी जब डिमांड शेड्यूल देखा वो इंडिविजुअल कंज्यूमर का था, पर अब समझो हमारे मार्केट में सिर्फ एक ही कंज्यूमर थोड़ी ना होगा, हमारे मार्केट में तो हजारों लाखों करोड़ों कस्टमर्स हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे सारे कंज्यूमर्स मिला के। सो द टोटल क्वांटिटी दैट ऑल द बायर्स ऑफ अ कमोडिटी आर विलिंग टू बाय पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे जैसे मैंने बोला यहाँ पे ना इन्होंने बेटा दो ही कंज्यूमर का डेटा लिया है। वैसे हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि देखो जब ₹10 प्राइस है ना प्रोडक्ट एक्स की, ₹10 प्राइस है, तो बोलते हैं कि मार्केट में जितने भी कस्टमर्स है ना सबसे पूछो दस पे कितना लेंगे, सबको पूछो और सबके क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड करते जाओ। तो इसको मिलके अभी मिला, अब यहाँ पे इन्होंने दो ही लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हजार लोगों का कस्टमर का डेटा लेंगे तो आएगा नहीं ना बेटा बुक में, इसने दो का लेके दिखाया आपको बस, कि बोले समझो ₹10 में जितने भी कस्टमर है ना सबको जाके पूछो कितना खरीदोगे और सबके क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है मार्केट डिमांड। क्या बात समझ में आ रही है? तो बोलते ₹10 में पूरे मार्केट में सारे कस्टमर मिलकर कितना खरीदते हैं 3 यूनिट, ₹20 में सारे कस्टमर मिलके मार्केट में कितना खरीदते हैं 1 यूनिट, ऐसा इसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। फिर क्या करते हैं हम, बोलते हैं फिर एक काम करो आप जो है ना प्राइस को प्लॉट करो वाई एक्सेस पे, मार्केट डिमांड को प्लॉट करो एक्स एक्सेस पे, और आप क्या करो इसको इसको यूज करके मार्केट डिमांड कर्व बना लो, है ना। तो बोलते हैं मार्केट डिमांड, ये कर्व लग दो इसको, ये है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा, बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व आपको मिलता है कैसे बताओ, प्राइस को प्लॉट किया एक्स वाई एक्सेस पे एंड मार्केट डिमांड को प्लॉट किया किस पे बताइए, एक्स एक्सेस पे, प्राइस को वाई एक्सेस पे, मार्केट डिमांड को एक्स एक्सेस पे, और इससे जो हमें मिलेगा कर्व वो क्या हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड कर्व। लेकिन बोलते हैं इसका और एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, बोलते दूसरा तरीका ये है, आप एक काम करो, आप ना सबसे पहले ये प्राइस को यूज़ करो और ये कंज्यूमर ए के डिमांड को यूज़ करो, आप पहले ना कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व बनाओ, फिर उसके बाद क्या करो, बोले फिर आप प्राइस को लो और कंज्यूमर बी का डिमांड लो और बोलते हैं बी का डिमांड कर बनाओ। ऐसे पहले आप इंडिविजुअल डिमांड कर बना लो सबके, और फिर आप जब इंडिविजुअल डिमांड कर बना लोगे ना फिर क्या करो, फिर बोले करो लैटरल समेशन या हॉरिजॉन्टल समेशन। कैसे, बोले देखो बोले जैसे ₹20 प्राइस रहेंगी ना तो क्या होता, बोले ₹20 प्राइस पे कंज्यूमर ए बोलता है कि मैं तो भैया एक ही यूनिट खरीदूंगा और कंज्यूमर बी बोलता है कि मैं ₹20 पे 0 खरीदूंगा। ओ तो पूरे मार्केट में क्या हो रहा है, पूरे मार्केट में ₹20 में एक यूनिट का ही डिमांड है, 1+0, समझ में आ रहा है, लैटरल समेशन, ठीक है ना। बोलते हैं जैसे ₹10 में एक ए बोलता है 2 यूनिट खरीदूंगा, ये बोलता है ₹10 में 1 यूनिट खरीदूंगा, तो 2+1 3 यूनिट्स का डिमांड है, मार्केट डिमांड है ₹10 पे। तो बोलते हैं हम मार्केट डिमांड को कैसे बना सकते हैं, बाय हॉरिजॉन्टल समेशन या लैटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। आगे बढ़ेंगे अगली बात। फिर बात आती है बेटा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है, कुछ नहीं है, बस ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो क्या बताता है, जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच का, डिमांड का एंड उसके डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। बोलते हैं देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि
बोलते हैं कि डिमांड फंक्शन इज व्हाट इज इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में बेटा, ये रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का। डिमांड फंक्शन बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड जो है ना वो डिपेंड करता है किस पे, अपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पे। मतलब जैसे जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बदलेंगे ना वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बदलता है, बस इतनी ही बात है ना। तो इसको जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं वाई इज, मतलब ये क्या है ना, मैंने आपको ऐसी फंक्शन समझाया था बच्चों को कि जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा हम लिखते थे बचपन में, है ना। तो वैसे ही इसमें डिमांड फंक्शन बोलूँ तो क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। ओके, अब बात यह आती है बेटा, जनरली अगर हम लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करें तो क्या होता है, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करें तो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अगर फॉलो करते ना तो प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड फंक्शन कैसा बनता है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से बोलते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ ओनली प्राइस। तो आपने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी देखा होगा डिमांड फंक्शन, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा है कि प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं। तो बोलते हैं अगर प्राइस के अलावा बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है ना तो हमारा डिमांड सिर्फ प्राइस पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, उनके सारे डिटरमिनेंट्स के ऊपर, बस हो गया इतना ही है। आगे फिर बात आती है बेटा डिमांड इक्वेशन, बोलते हैं डिमांड इक्वेशन। हम आपने बचपन में बेटा ऐसा पढ़ा होगा कि हम जो है ना हर एक लाइन का, हम जो है ना बेटा क्या कर सकते हैं, हम जो है ना बेटा हर एक, हम जो है ना बेटा हर एक लाइन को एक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा आपने सुना है क्या कभी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स प्लस बी, ऐसा आपने सुना होगा। हम हर एक लाइन को एक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मुझे डिमांड कर्व का इक्वेशन बनाना हो तो डिमांड कर्व का इक्वेशन होता है बेटा q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। क्या बोला, q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ये डिमांड कर्व का इक्वेशन होता है, डिमांड इक्वेशन। यहाँ पे a क्या होता है, a a होता है बेटा आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट, मतलब कि हमारा डिमांड कर्व जब y एक्सिस को जहाँ पे टच करता है ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं a कॉमा सॉरी 0 कॉमा a। तो हमारा डिमांड कर्व जब y एक्सिस को टच करता है तो ये क्या वैल्यू है, दिस इज a, दिस इज वर्टिकल इंटरसेप्ट। माइनस b, b क्या होता है आपका स्लोप, डिमांड कर्व का स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एंड आपका p क्या है, प्राइस। तो बस आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज डिमांड इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन इज q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। क्या बात समझ में आ रही है बताइए फास्ट, q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, बस ठीक है ना। चलो एक और चीज आपको बता देता हूँ, एक और चीज आपको बता देता हूँ, एक बार स्लोप की चीज आपको बता देते हैं। बोलते हैं स्लोप क्या बताता है ना, स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप उसका डायरेक्शन एंड स्टीपनेस बताता है ना। स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स या वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। बोलते देखो अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव वैल्यू होता है उसका स्लोप का तो वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, अगर किसी का नेगेटिव वैल्यू होता है स्लोप का तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। नेक्स्ट बोलते हैं स्लोप क्या बताया, डायरेक्शन एंड स्टीपनेस। बोलते देखो डायरेक्शन कैसे बताएगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जा रहा है। स्टीपनेस का मतलब क्या है, कितना आड़ा है, कितना आड़ा है। बोलते हैं अगर स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है ना तो स्टीप, तो ज़्यादा स्टीप होता है, स्लोप की वैल्यू कम है तो थोड़ा फ्लैटर कर्व होता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, ये हमारा ज़्यादा स्टीप है, ये हमारा ये कम स्टीप है, ये फ्लैटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लोप हमारा ज़्यादा होगा और यहाँ पे स्लोप हमारा कम होगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है ना। तो ऐसे इसका लॉजिक होता है, चलो जान दो वापस आएंगे। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, रीजंस, लॉ ऑफ डिमांड के रीजन। जब हम बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, ऐसा क्यों होता है, ये होता है रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो पहला पॉइंट बोलता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, है ना। तो हमने ऐसा देखा हुआ है ना, हम इकोनॉमिक्स चैप्टर टू यूनिट टू में ऐसा पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं उसमें, कि अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन हिज प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से इक्वल हो जाता है ना, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है ना। अच्छा अगली बात क्या होता है, बोलते हैं कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ाते हैं ना, तो हर एडिशनल यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो कम कम होते जाती है। ये बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
इसलिए मैंने बोला था कि जिसने जिसने क्या बताइए कोई जून 24 का बच्चा है अभी, जो अभी देख रहा है इसको, जिसको एग्जाम के 6 महीने बचे हैं, ये उनके लिए नहीं है जिनका भी 30 35 दिन में एग्जाम है। समझो जून, समझो आप मई 2024 में वीडियो देख रहा होगा कोई कोई बच्चा रिकॉर्डेड, तो चलेगा। लेकिन अभी तुमको 6 महीना बचा है, तो फिर यार आपके लिए डिटेल वीडियो देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसका 30 35 दिन में एग्जाम है भैया, ये देख लो, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। बोलते हैं हमने ऐसा पढ़ा था इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यूनिट 2 में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। हर एक एडिशनल यूनिट से, हर एक प्रोडक्ट के एडिशनल यूनिट से क्या होता है, हर एडिशनल यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलता है वो कम कम होता जाता है। इसलिए हर एक एडिशनल यूनिट मैं तभी खरीदूंगा जब मैं कम, जब प्राइस कम हो। अरे जब हर एक एडिशनल यूनिट से मुझे मार्जिन यूटिलिटी कम मिलने वाली है, तो हर एडिशनल यूनिट के लिए मैं कम कम पैसा देना चाहूंगा, राइट? तो बोलते हैं कि आप चाहते हो क्या कि मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं? क्या आप चाहते हो सेलर कि मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं? ओके, प्राइस कम कर दूं तो ही क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगली बात। फिर बात आती है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। ये क्या है, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर? बोलते हैं क्या होता है कि जब जब इनिशियली जब प्राइसेस ज्यादा रहती है ना, तो लोग ना, कुछ लोग होते हैं मार्केट में जो अफोर्ड नहीं कर पाते प्रोडक्ट को। जनरली ये चीज आईफोन्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जब आईफोन लॉन्च होता है ना, उस समय पे बहुत लोग खरीदते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग रहते हैं जो उस समय आईफोन को अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही नया मॉडल आता है आईफोन का, तो पुराने मॉडल सस्ते हो जाते हैं, और जब पुराने मॉडल सस्ते हो जाते हैं ना, तो अब नए कंज्यूमर्स आते हैं मार्केट में, जो जिनके लिए पहले वो अफोर्डेबल नहीं था, अब उनके लिए वो मोबाइल फोन अफोर्डेबल बन जाता है, और अब वो उसको ज्यादा खरीदते हैं वापस से। बोलते हैं प्राइस गिरने से क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बढ़ता है? ये है रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बोलते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्राइस गिरती है ना, तो मार्केट में ऐसे कंज्यूमर आ जाते हैं नए, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे चीजों को। जब सस्ता हो गया ना, अब अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो अब मार्केट में आकर उसको खरीदते हैं, जिससे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं मार्केट में। तो प्राइस कम करने से न्यू कंज्यूमर्स आते हैं मार्केट में, और वो डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन बोलते हैं कि बोलते हैं कुछ गुड्स के बेटा मल्टीपल यूज होते हैं, डिफरेंट यूजर्स होते हैं। बोलते हैं कि जैसे मिल्क है ना, हम दूध को यूज करके मिठाई बना सकते हैं, हम दूध को यूज करके जो है चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलते हैं अगर दूध जो है सस्ता हो जाएगा ना, तो हम उसको खरीद के मल्टीपल जगह पे यूज करना चालू कर देंगे, तो उसका डिमांड बढ़ा देंगे। पर अगर दूध महंगा हो जाएगा, तो हम उसको कम खरीदेंगे एंड उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो जिन गुड्स का डिफरेंट यूज होता है, उनके केस में भी ऐसा होता है कि प्राइस के गिरने पे हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं। समझ मारी बाद में क्या बोल रहा हूँ, बताइए। डन हो गया बेटा, इसका पीडीएफ नहीं मिलता है ना? और अगर मुझे मुझे मैंने ऑलरेडी अभी 3-4 लोगों पे लीगल एक्शन ऑलरेडी लिया हुआ है इस चीज़ के लिए। हमने पहले ही आपको समझाया था, पर कुछ बच्चों को ना समझ में आता नहीं है, वो कुछ बच्चों को समझ में आता नहीं है, ठीक है ना, जानबूझ के करते हैं। तो ये हम डायरेक्टली नोटिसेस भेज रहे हैं, है ना, जो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, पीडीएफ वगैरह बना के शेयर कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अलाउड। आपको बुक नहीं चाहिए, प्लीज़ मत लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपके घर पे आके नहीं बोल रहा कि बुक लेना है आपको, आप स्टडी मॉडल से पढ़े, दूसरे बुक से पढ़े। आपको ये बुक चाहिए तो प्लीज़ उसको परचेज करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। आपको नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये हरकतें नहीं करनी है, ठीक है? चलो आगे, अगला पॉइंट देखेंगे। तो डिफरेंट यूजर्स हमारा हो गया, 3 पॉइंट हो गए, अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस इफेक्ट्स। अब पहला सवाल क्या आता है, चेक करें इसका, इसमें पहला सवाल क्या आता है, ठीक है ना, इसमें पहला सवाल आता है प्राइस इफेक्ट में कि द टोटल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस इज टर्म्ड एज प्राइस इफेक्ट। बस ये पहला सवाल आता है एमसीक्यू, ये पहला सवाल आता है बेटा एमसीक्यू। बोलते हैं प्राइस के बढ़ने की वजह से जो जो टोटल गिरावट होती है क्वांटिटी डिमांडेड में, उस गिरावट को बोलते हैं कि क्यों हुआ है। बोलते हैं प्राइस इफेक्ट के वजह से हुआ है ऐसा। अब अगली बात, बोलते हैं प्राइस इफेक्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, ये किसने बताया था, हिक्स एंड एलन ने, एमसीक्यू आता है। हम प्राइस इफेक्ट के दो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट। याद रखना बेटा, ये किसने बोला था, ये हिक्स एंड एलन ने बोला हुआ था। ये किसने बोला था बेटा, बताइए, ये हिक्स एंड एलन ने बोला हुआ था। ये समझ में आ रही बात है? बोलते देखो,
प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, ऐसा क्यों होता है? बोलते हैं प्राइस इफेक्ट की वजह से। प्राइस इफेक्ट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है? ये किसने बताया था? ये बताया था बेटा हिक्स एंड एलन ने। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, बताइए जल्दी। यस। अब अगली बात बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, है ना? तो देखेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो क्या होता है, बोलते हैं जैसे कोका कोला पेप्सी, है ना, ध्यान देंगे। समझो कोका कोला पहले 60 रुपए का था, पेप्सी भी 60 रुपए का था, राइट? लेकिन कुछ समय बाद पेप्सी ने क्या किया, अपनी प्राइस 40 रुपए कर दी। जैसे ही बेटा पेप्सी का प्राइस गिरता है ना, जैसे ही यहाँ पे पेप्सी का प्राइस गिरता है ना, जैसे ही बेटा पेप्सी का प्राइस गिरता है ना, तो क्या होता है, हमको ये पेप्सी उसके सब्स्टिट्यूट से सस्ती लगने लगती है, और इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोका को, हम पेप्सी को ज़्यादा खरीदते हैं। बोलते हैं पेप्सी का प्राइस गिरने पे पेप्सी की डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब पेप्सी का प्राइस गिरता है ना बेटा, तो पेप्सी जो है कोका कोला से सस्ती लगने लगती है, इसलिए हम क्या करते हैं फिर पेप्सी का डिमांड बढ़ा देते हैं। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि प्राइस जब गिरता है तो हमें हमारा प्रोडक्ट हमारे सब्स्टिट्यूट से सस्ता लगने लगता है, तो सब लोग क्या करते हैं कोका कोला के बदले पेप्सी खरीदना चालू कर देते हैं और पेप्सी का डिमांड बढ़ा देते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े नेक्स्ट। बोलते आपको याद रखना है एमसीक्यू आता है कि द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब बोलते हैं चाहे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, चाहे इन्फीरियर गुड हो, चाहे नॉर्मल गुड हो, चाहे लग्जरी गुड हो, कैसा भी गुड हो, बोलते हैं जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है ना, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज व्हाट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बात है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस गिरेगा किसी प्रोडक्ट का, तो हमको वो प्रोडक्ट उसके सब्स्टिट्यूट से सस्ता लगेगा और इसका डिमांड हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो जब प्राइस गिरता है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमेशा ज्यादा ही डिमांड बढ़ेगी, बस हमेशा डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एमसीक्यू आया हुआ है। नेक्स्ट बोलते हैं ये न्यूली एडेड पॉइंट है जो अभी मैं बताने वाला हूं, दिस इज न्यूली एडेड इन योर इन द स्टडी मटेरियल। बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होगा, बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स। जब दो गुड्स के बीच में सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। बोलते हैं जब एक गुड से दूसरे गुड में स्विच करने का खर्चा कम होता है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब एक गुड से दूसरे गुड में स्विच करने का इनकन्वीनियंस, दिक्कतें हमें कम होती है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसको याद रखेंगे, इसके लॉजिक्स हमने रेगुलर बैच में, फास्ट ट्रैक बैच में बताए थे, अभी वन शॉट है, इसको याद रखिए। इसमें एमसीक्यू आता है ना, कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांगर कब होगा, ए बी सी और डी होता है ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द अबव, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे अगली बात। फिर आता है इनकम इफेक्ट, चलिए इनकम इफेक्ट देखेंगे, हम देखेंगे इनकम इफेक्ट। तो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें प्रज्ञा का, है ना, प्रज्ञा की समझो इनकम है बेटा 20,000 रुपए और ये 5 जोड़ी कपड़े खरीदती है ना, हर साल 5 जोड़ी कपड़े खरीदती है, एक जोड़ी कपड़े आते हैं 1,000 रुपए के, ठीक है? तो क्या होती है प्रज्ञा 20,000 रुपए कमाती है, ये 5 जोड़ी कपड़े खरीदते हर साल, राइट? एंड क्या बताइए, 1,000 रुपए का एक जोड़ी होता है और 5,000 खर्चा होता है, तो बैलेंस इनकम कितनी बचती है इसकी, 15,000 रुपए, ठीक है ना? पर अब अगले साल क्या होता है ना, अगले साल उसकी इनकम फिर से 20,000 रुपए है, लेकिन अब इसको डिस्काउंट मिलता है 20% का। जो एक जोड़ी कपड़े 1,000 रुपए के थे ना, अब वही एक जोड़ी कपड़े उसको 800 रुपए में मिल जाते हैं। तो क्या होता है, अब 5 जोड़ी कपड़े आ जाते हैं 4,000 रुपए में और उसकी बैलेंस इनकम अब ज्यादा बचती है। पहले बैलेंस इनकम बच रही थी 15,000, अब बैलेंस इनकम बच रही है 16,000। बोलते हैं जब बैलेंस इनकम ज्यादा की बचती है ना, तो प्रज्ञा को मन में ऐसी इच्छा होती है, यार पैसा थोड़ा ज्यादा बचा है हर बार से, एक काम करती हूँ और खरीद लेती हूँ। बोलते हैं प्राइस के गिरने पर क्या होता है ना,
आपके हाथ में जो बैलेंस इनकम बचती है वो ज्यादा बचती है, इससे हमें इच्छा होती है और ज्यादा खरीदने की। दिस इज इनकम इफेक्ट, है ना? दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम इफेक्ट। क्या याद रहेगा बताइए? दिस इज इनकम इफेक्ट। क्या हम आगे बढ़े? यस नो? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये इनकम इफेक्ट है। तो क्या होता है, ठोक लो जल्दी से, लाइक ठोकेंगे वीडियो को अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो। ओके, एक मिनट पानी पी लेता हूँ, रुकिए। अच्छा चलो, एक और चीज़ आपको बता दूँ, हमारा सीए फाउंडेशन का फेस टू फेस मैराथन होने वाला है इस बार भी। सो हम दो जगह पे लेने वाले हैं, पहला है दिल्ली में एंड दूसरा है नागपुर में, ठीक है ना? सो दिल्ली में जो है मोस्ट प्रोबेबली होगा दिल्ली में 5, 6 एंड 7 ऑफ दिसंबर, एंड नागपुर में होने वाला है, नागपुर में होने वाला है मैराथन फेस टू फेस 15, 16, 17 नवंबर। तो 5, 6, 7 दिसंबर जो है, 5, 6, 7 दिसंबर दिल्ली में एंड 15, 16, 17 दिसंबर नागपुर में होने वाला है। दो जगह पे होने वाला है। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी चालू हो जाएगा हमारे ultimateca.com के वेबसाइट पे। तो अगर किसी को बाकी बुकिंग्स अगर करनी हो, समझो ट्रेन वगैरह की दिल्ली आने की, तो वो आप अभी से कर सकते हैं, ठीक है ना? चले आएंगे वापस। तो यहाँ पे देखेंगे आप जल्दी से, तो ये समझ में आ रहा है आपको? दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम इफेक्ट, ठीक है ना? अब यहाँ पे आइए जल्दी, कम ऑन। बोलते हैं इनकम इफेक्ट क्या है? बोलते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है ना, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है ना, तो हम अब सेम क्वांटिटी खरीद सकते हैं विद लेसर मनी। पहले हमें 5 जोड़ी कपड़े 5,000 में आते थे, अब 5 जोड़ी कपड़े 4,000 में ही आ रहे हैं। या वी कैन बाय मोर ऑफ सेम कमोडिटी विद सेम अमाउंट। पहले क्या था, पहले 5,000 रुपये में 5 जोड़ी ही आते थे, पर अब 5,000 रुपये में ज्यादा कपड़े आएंगे। तो ये होता है हमारे इनकम इफेक्ट की वजह से। अब बात आती है बेटा इसमें इंफीरियर गुड्स की, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है ना? आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है ना? बोलते हैं देखो, जब प्राइस गिरता है ना, जब प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है, तो नॉर्मल गुड में क्या होता है, सुनना ध्यान से। जब प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो नॉर्मल गुड में क्या होता है? नॉर्मल गुड है जिसका प्राइस गिर गया, एक नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड मतलब ऐसा गुड जिसका इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़े, डज अ नॉर्मल गुड। ओके, तो जब प्राइस गिरता है तो क्या होता है नॉर्मल गुड के केस में? इनकम इफेक्ट में क्या होता है? प्राइस के गिरने पे हमारे पास बैलेंस इनकम ज्यादा बचेगी, तो बोलेंगे काम करो, चलो डिमांड बढ़ा दो प्रोडक्ट का, राइट? एंड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करता है? बोलते हैं जब प्राइस गिरती है ना, तो हमको ये प्रोडक्ट अपने सब्स्टिट्यूट से सस्ता लगने लगेगा, तो हम इसका डिमांड बढ़ा देंगे। आप समझो बाद में क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा। देखो, प्राइस के गिरने पे हमारा जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है ना, या प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, बोलते हैं ये जो गिरावट या ये जो बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्यों होता है? बोलते हैं ये होता है प्राइस इफेक्ट के वजह से। बोलते हैं प्राइस इफेक्ट में क्या है? दो चीजें हैं इसके अंदर, दो चीजें हैं, इनकम इफेक्ट एंड क्वांटिटी इफेक्ट, सॉरी इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ। बोलते हैं कि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, प्राइस गिरता है तो इनकम इफेक्ट बोलता है चलो डिमांड बढ़ो, एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है चलो डिमांड बढ़ो, मतलब दोनों की वजह से डिमांड बढ़ता है। लेकिन इन्फीरियर गुड में ऐसा नहीं होता, और ध्यान देना है, जब बेटा प्राइस गिरता है ना, तो किसका, इन्फीरियर गुड का, जब प्राइस गिरता है तो क्या होता है, हमारे पास बैलेंस इनकम ज्यादा बचती है। अब इनकम अगर ज्यादा बच रही है तो बोलेंगे यार इन्फीरियर क्यों खरीदूं, मैं तो सुपीरियर खरीदूंगा, छोड़ो इन्फीरियर को, तो इन्फीरियर गुड का डिमांड कम कर देते हैं। समझ में आ रहा है? प्राइस के गिरने पे नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट में डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन प्राइस के गिरने पे इन्फीरियर गुड्स में हमारे इनकम इफेक्ट में क्या हो रहा है, डिमांड गिर रही है। क्या यहाँ पे उल्टा चीज हो रहा है? जनरली क्या होना चाहिए था, प्राइस के गिरने पे डिमांड बढ़नी चाहिए थी, पर यहां पे उल्टा हो रहा है क्या? यस, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है इनफीरियर गुड्स के केस में, याद रखना है।
लेकिन लेकिन इनफेयर गुड्स में क्या होता है कि जब इसका प्राइस गिरता है ना बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से प्राइस के गिरने पे क्या होगा, प्राइस के गिरने पे क्या होगा, हमें ये प्रोडक्ट अपने बाकियों से सस्ता लगने लगेगा, तो हम इसका डिमांड बढ़ा देंगे। मतलब इन्फीरियर गुड्स में बेटा जंग छिड़ जाती है कि अगर प्राइस गिरेगा ना तो इन्फीरियर गुड का इनकम इफेक्ट बोल रहा है कि डिमांड तुझे नीचे जाना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है नहीं नहीं डिमांड तुझे ऊपर जाना है। मतलब प्राइस के गिरने पे ये बोल रहा है डिमांड तुझे नीचे जाना है, ये बोलता है नहीं नहीं डिमांड तुझे बढ़ना ही पड़ेगा। दोनों में झगड़ा चल रहा है, दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, जो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। बोलते देखो अगर ऐसा हुआ ना, बोलते देखो अगर ऐसा हुआ कि इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, समझो नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो क्या होगा? देखो क्या बोल रहा हूं, इन्फीरियर गुड में प्राइस गिरा तो इनकम इफेक्ट क्या बोलता, डिमांड नीचे गिरना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता नहीं नहीं डिमांड तुझे बढ़ना है आगे। तो फाइनली होगा क्या? बोलते डिपेंड करेगा। बोलते अगर नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से तो क्या होगा, तो हमारा फाइनली क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगा। एंड अगर समझो ये ज्यादा है, तो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट से, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। अब इसमें आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है देखिए, पहला एमसीक्यू आता है कि वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कब होता है। वायोलेशन मतलब कब होता है, जब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। प्राइस के गिरने पे अगर क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर जाए, मतलब कि तुमने तुमने लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं किया बराबर, दिस इज अ वायोलेशन। तुमने लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं किया बराबर, दिस इज अ वायोलेशन। समझ में आ रहा है बात? तो कहां पे होता है ऐसा कि प्राइस के गिरने पे डिमांड भी गिर जाए, कब होता है ऐसा? चेक करो, प्राइस के गिरने पे हमारा डिमांड भी गिर जाए, ये कब होता है? जब जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आंसर होता है उसका, याद रखेंगे। वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हैपेंस व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा ये मैराथन में कोई बता ही नहीं सकता आपको, लिख के लो आप। आगे देखिए नेक्स्ट, फिर बात आती है अगली बात। देखो नेक्स्ट बात, आपको अगला एमसीक्यू आता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड कब होगा इन्फीरियर गुड्स में। ये एमसीक्यू आता है, आपको बोलेगा कि इन्फीरियर गुड्स में एक्सपांशन ऑफ डिमांड कब होता है। मतलब प्राइस के गिरने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती कब है इन्फीरियर गुड्स में? जब जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो नेगेटिव इनकम इफेक्ट से। ये आते हैं भैया एमसीक्यू, याद रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। ये दोनों एमसीक्यू आ चुके हैं, चले आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगली बात देखेंगे, है ना, इसका भी बहुत बढ़िया चार्ट हमने दिया हुआ है सुपर चार्ट बुक में, है ना, और ये mvsat.in में मिल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है परचेस का। नेक्स्ट अगली बात, फिर बात आती है बेटा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। ये ऐसे केसेस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। अब ध्यान दीजिए जल्दी से, यहां पे ध्यान देंगे। बोलते पहला क्या है बताओ, कॉन्स्पिकस गुड्स, है ना। बोलते हैं कॉन्स्पिकस गुड्स एक ऐसा केस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। अच्छा, इस पे सब एक एमसीक्यू आता है, पहले मुझे बताइए कि क्या लॉ ऑफ डिमांड है ना, क्या लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज वैलिड, क्या लॉ ऑफ डिमांड हमेशा वर्क करता है क्या? आंसर है फॉल्स। क्यों? बोलते कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला पहला क्या है, कॉन्स्पिकस गुड्स। बोलते हैं कॉन्स्पिकस गुड्स को हम और क्या बोलते हैं, इसको प्रेस्टीज गुड्स भी बोल सकते हैं, स्नॉब गुड्स भी बोल सकते हैं, वेबलेन भी बोल सकते हैं। याद रखना बेटा, स्नॉब इफेक्ट वेबलेन इफेक्ट महंगी चीजों में ही देखने को मिलता है। स्नॉब इफेक्ट में क्या था कि जो महंगी चीज कॉमन हो गई वो हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम बाकियों से अलग दिखना चाह रहे हैं। तो स्नॉब गुड्स भी महंगे गुड्स वाले महंगे ही गुड्स होते हैं, और वेबलेन गुड्स भी महंगे गुड्स होते हैं, लेकिन वेबलेन में क्या है, जो चीज महंगी हो रही है ना हम उसको और खरीद रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए। तो याद रखना है, पहला सवाल यही आता है कि कॉन्स्पिक्यूस गुड्स को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, प्रेस्टीज गुड्स, स्नॉब गुड्स या वेबलेन गुड्स, ठीक है ना। यहाँ पे बोलते हैं बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, किसी प्रोडक्ट का बहुत बार कुछ लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का यूटिलिटी कि उस प्रोडक्ट से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये मेजर करते हैं बाय इट्स प्राइस। बोलते हैं अगर किसी चीज की प्राइस ज्यादा है ना तो इससे मुझे ज्यादा मजा आएगा, अगर किसी चीज की प्राइस कम है तो इससे मुझे कम मजा आएगा, ऐसा।
लोग क्या करते हैं, जैसे डायमंड्स के केस में, डायमंड जितने महंगे होते हैं ना, तो रिच लोग उसको और खरीदते, समझ रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लगता कि अगर महंगा हो रखा है डायमंड, अरे वाह चलो अब और खरीदते हैं, है ना। तो ये किसने लाया था, ये वेबलेन भाई साहब ने ढूंढा था, ठीक है ना। ये वेबलेन भाई साहब ने क्या किया था, हाँ ये क्या बताइए, वेबलेन भाई साहब ने ढूंढा था, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, इस है ना, इसमें इन्होंने बताया था कि देखो लोग जो है ना वेबलेन इफेक्ट या प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट करते हैं, है ना। बेटा ढोकले श्रेयस, मैं 10 बार जब आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों बोलूंगा मैं, आपको हेल्प रहेगा तो ही बोलूंगा ना, कॉमन सेंस की बात है। अब वही 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 लिखते जा रहे चैट बॉक्स में, क्यों टाइम पास कर रहे, पढ़ो ना बेटा यहाँ पे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से ले सकते हैं तो क्यों बोलूंगा, आपको हेल्प होगी तभी बोलूंगा ना। चले अगली बात, नेक्स्ट, मतलब एकदम छोले भटूरे जैसे लोग आते हैं यार क्लास में, क्या करते हैं तो मालूम नहीं, उनको बार 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 सेम चीज 10 बार बोलो उनको पहले, तब जाके बोलेंगे अच्छा हाँ सर ठीक है ठीक है। चलिए इधर देखिए अगली बात, तो समझ में आ रहा है, तो हमारे कॉन्स्पिकस गुड्स में वर्क नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। अगला देखें, नेक्स्ट, अगली बात क्या है, नेक्स्ट बात है बड़ा गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सर रॉबर्ट गिफिन ने। इसने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो इन्होंने ऐसा ढूंढा था, मतलब इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि ब्रिटिश वर्कर्स क्या करते हैं, जब ब्रेड का प्राइस बढ़ता है ना तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि जब बोलते हैं बहुत पहले की बात है ये, कि जब ब्रेड महंगी हो जाती थी ना, क्योंकि उस समय पे ऐसा बाकी सारी चीज़ें नहीं रहती थी, ब्रेड एक बेसिक स्टेपल फूड था, स्टेपल फूड मतलब ऐसा खाना जो हर मील में जनरली लोग खाते ही थे ऐसा, तो जब ब्रेड महंगी हो गई थी ना, तो जो जो वर्कर्स थे, वे जो ब्रिटिश वर्कर्स थे जिनकी बहुत कम सैलरी होती है, बहुत कम वेजेस होते हैं, है ना, तो वैसे भी बहुत कम कमाते हैं, अब ब्रेड महंगी हो गई जो उनका बेसिक खाना है, तो बोलते हैं अरे काम करो जितनी ब्रेड है ना वो ले लो, क्या पता आगे और महंगी हो गई तो। और जब ब्रेड खरीद लेते हैं ना, तो उनके पास अब और पैसा बचता भी नहीं बाकी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए, बोलते हैं काम करो ब्रेड ही दे दो भैया, हम ब्रेड ही खरीद लेते हैं। तो प्राइस के बढ़ने पर क्या किया, डिमांड भी बढ़ा दिया, राइट, कहाँ होता है, गिफ्ट एंड गुड्स में। अगली बात बोलते हैं गिफ्ट एंड गुड्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, हाँ गिफेन गुड्स क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोलते हैं गिफेन गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो इन्फीरियर नेचर के हो, जो लो क्वालिटी के हो, जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज के ज़माने में मत बोलना सर आज तो ब्रेड गिफेन गुड नहीं है, क्योंकि ब्रेड तो अलग अलग प्रकार के आते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट भी है। हाँ ये बहुत पहले के ज़माने की बात है, ठीक है ना। तो गिफेन गुड क्या है, जो इन्फीरियर नेचर के हैं, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड विच ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन कंज्यूमर्स बजट, मतलब एक गरीब व्यक्ति के केस में खाने पे जो खर्चा करता है वो मेजर खर्चा उसका खाने पे हो जाता है, और गरीब व्यक्ति क्या करेगा, लो क्वालिटी का ही खाना खरीदेगा ऐसा। तो गिफेन गुड्स जो है ना गरीब गरीब लोगों के केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें एमसीक्यू क्या आते हैं, एमसीक्यू आपको आएगा कि गिफेन गुड्स में डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप होता है, मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ा। तो मुझे बताइए गिफेन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, याद रखेंगे गिफेन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। एंड मुझे बताइए जल्दी से, इन डायरेक्ट इनकम डिमांड रिलेशनशिप होता है, कैसे, बोलते हैं गिफेन गुड भी एक प्रकार का इन्फीरियर गुड है, अगर इनकम बढ़ेंगी तो हम गिफेन गुड थोड़ी खरीदेंगे, हम तो गिफेन गुड कम खरीदेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बताइए, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व बनता है। अब ये क्या है बता रहा हूं, देखिए आइए इधर बता रहा हूं कुछ, ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए बेटा ये याद रखना, आपको ध्यान दीजिए क्या लिखा है, बोलते हैं एक चीज होती है बेटे जिसको बोलते हैं एंजल कर्व। डिमांड कर्व तो आप सबको पता है, जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, एक होता है एंजल कर्व जो इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है। ये क्या बोलता है, देखिए एंजल कर्व क्या बोलता है, जैसे नॉर्मल गुड्स के केस में एंजल कर्व कैसे बनेगा, बोलते हैं वाई एक्सेस में इनकम, एक्स एक्सेस में क्वांटिटी डिमांडेड, बोलते हैं इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है कहाँ पे, नॉर्मल गुड में। तो आपको एमसीक्यू आएगा कि नॉर्मल गुड का एंजल कर्व है ना, नॉर्मल गुड्स का, बेटा ये एंजल नहीं है ढोकले, ये एंजल नहीं है, एंजल प्रिया वाले क्या ढोकले लोग हैं, ये एंगल नहीं है, इंस्टीट्यूट ने एक बार बुक में मॉक टेस्ट पेपर में सवाल पूछा था, ये एंगल लिख दिया, एंगल नहीं एंजल होता है, एंजल सरनेम है व्यक्ति का, जैसे वेबलेन सरनेम था ना,
एक इकोनॉमिस्ट का सरनेम था ना वेबलेन, वैसे ये एंजल एक व्यक्ति का सरनेम है, ढोकले समझे ना। हाँ वापस आई। तो बोलता नॉर्मल गुड्स में एंजल कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्वीपिंग। अब मजे की बात है, ये बुक में कॉन्सेप्ट नहीं दिया, नॉट गिवन इन आईसीएस स्टडी मटेरियल, इसलिए जिसने मेरे से क्लास नहीं किया होगा उसने ये नहीं पढ़ा होगा, ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में सवाल पूछता है इंस्टीट्यूट, मॉक टेस्ट पेपर में सवाल पूछता है, राइट? तो अब ध्यान दीजिए, इनकम डिमांड रिलेशनशिप, तो इनकम के बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ जाता है, किसमें? नॉर्मल गुड में, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व। लेकिन गिफेन गुड्स में क्या होता है? गिफेन गुड्स में क्या होता है? इनकम के बढ़ने पे हम डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि इनफीरियर नेचर का होता है ना ये, तो एमसीक्यू आएगा गिफेन गुड्स का एंजल कर्व कैसा बनेगा? यस, डाउनवर्ड स्लोपिंग, समझे? क्योंकि इनकम के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगली बात यहां पे आइए। हाँ अब यहां पे देखेंगे, बोलते हैं डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स का कैसे होता है? नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व कैसा रहेगा भैया? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। लेकिन गिफेन गुड का डिमांड कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है गिफेन गुड का डिमांड कर्व, याद रखेंगे, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ती है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किसका? गिफेन गुड्स का, ठीक है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट, राइट? फिर बोलते हैं ऑल गिफेन गुड्स आर इन्फीरियर गुड बट ऑल इन्फीरियर आर नॉट गिफेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्फीरियर गुड्स जो है ना बेटा, ये एक बड़ा टर्म है जिसमें जिसमें कुछ प्रकार के गुड्स को हम बोलते हैं गिफेन गुड्स। समझ में आ रही बात है? आगे बढ़ेंगे, अगली बात, फिर बात आती है आपकी कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। ये क्या था? कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, ये क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी मतलब ऐसी चीजें बेटा जो नेसेसिटी है नहीं, लेकिन हमने उसको कॉन्स्टेंट यूसेज के वजह से नेसेसिटी बना दिया है। बोले आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन होता ही है ना, तो हम भी मोबाइल फोन पूरे दिन दिन भर यूज करेंगे। बोलते हैं ऐसी चीजें जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के वजह से दूसरों को देख देख के अब हम भी वो खरीद रहे हैं, एंड उसको कॉन्स्टेंट यूसेज के वजह से नेसेसिटी बना दिया है, जैसे कि मोबाइल फोन, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी। अब बोलते हैं हम जब घर खरीदते हैं ना, बोले भले ही टीवी रेफ्रिजरेटर कितना भी महंगा हो गया हो, हम घर पे टीवी फ्रिज तो लगाएंगे लगाएंगे। बोले हमारे पास मोबाइल होना तो चाहिए। पहले का जमाना था कि 10,000 रुपये में अच्छा मोबाइल आता था, आजकल 15-20 हज़ार रुपये देने पड़ते तो अच्छा मोबाइल आता। ये समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ साथ, फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी बन चुका है कि बोले अब तो मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, तो ही तो यार क्या बताइए, मैं मतलब सबके पास मोबाइल फोन है तो हमारे पास तो होना ही चाहिए, इस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है ना? सो डिस्पाइट देयर इंक्रीज इन प्राइसेस, फिर भी लोग इसको खरीदते हैं प्राइस बढ़ने के बावजूद। नेक्स्ट बात आती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। हम जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, अगर फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला होगा तो क्या करेंगे? समझो अगर हम जो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं आज उसका प्राइस गिर गया, चलो ऐसा समझो, हम जो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, चलो इसका ही पढ़ लेते हैं। बोलते हैं व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, चलो ये वाला बोले, जब प्राइस बढ़ रहा है ना तो हाउस होल्ड क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बोले देखो अभी ना चावल जो है ना, चावल समझो, चावल जो है ना वो 80 रुपये से 90 रुपये किलो हो गए, एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितने का, एग्जाम्पल समझो चावल 80 से 90 रुपये किलो हो गए, तो प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम करनी चाहिए थी ना, नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा खरीद के आ जाते चावल। क्यों? बोलते अरे अरे अभी ना चावल 90 रुपये हो गए, 10 रुपये बढ़ गया भाव, अरे आगे और बढ़ गया तो चलो चलो आज ही ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो भले ही प्राइस बढ़ गई हो फिर भी ज़्यादा खरीद रहे हैं। ये समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगली बात है बेटा इरेशनल यूज। बेटा बहुत बार क्या ना, इरेशनल या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बोलते बहुत बार जो है ना लोगों को पता ही नहीं रहता, अरे यार अब ऐसा जरूरी है क्या, समझो मैं कोई टी शर्ट खरीदने गया, अब वो टी शर्ट कल ही 300 रुपये का था, आज 400 का हो गया, मुझे मालूम ही नहीं था कि कल 300 का मिल रहा था, मैंने 400 में जाकर खरीद लिया। तो ऐसा हो सकता है कि हमको पता ही ना हो, वी मे बी इग्नोरेंट ऑफ द रूलिंग प्राइस। या दूसरा होता है बेटा, दूसरा क्या होता है, कुछ लोग ना बेटा इम्पल्सिव परचेस करते, क्या करते हैं? इम्पल्सिव परचेस। बोलते बहुत से अमीर लोग क्या करते हैं ना, वो ज़्यादा प्राइस को देखते ही नहीं, बोले हम मेरे को होना तो होना, बात खत्म, बोले दनादन खर्चा करते हैं, वो ज़्यादा प्राइस को देखते नहीं, बोले प्राइस बड़ी हो कम हो हमको क्या भैया, हमको प्रोडक्ट होना खरीदना है, ऐसा था इम्पल्सिव, विदाउट सोचा समझे दनादन खरीदते जाते हैं चीज़ों को। तो ऐसे केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बड़ा हो फिर भी उसका डिमांड हमने बढ़ा दिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, अगली बात, फिर आता है डिमांड फॉर व्हाट नेसेसरीज। पहले क्या था? कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसरी, जो नेसेसरी है नहीं बना दिया है। अब क्या है? एक्चुअल नेसेसरीज।
बोलते समझो खाना, समझो अगर खाना महंगा हो जाएगा तो क्या डिमांड कम कर दूंगे? बोले फूड का प्राइस बढ़ गया, चलो अब ना हम एक महीना खाना नहीं खाएंगे, ऐसा होता क्या? बोले भले ही फूड का प्राइस कम हो जाए फिर भी हम उसका, सॉरी, भले ही फूड का प्राइस बढ़ जाए फिर भी हम उसका डिमांड कम नहीं करते। तो ये भी तो क्या है, वायोलेशन है, ये भी तो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट, फिर बात आती है बेटा स्पेकुलेटिव गुड्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह होते हैं, है ना। समझो अगर कोई शेयर है बेटा 2500 रुपये का शेयर है रिलायंस का, वो हो गया 2600 रुपये का, तो आप कुछ लोग सोचते हैं यार एक काम करते ना 2600 रुपये 10 शेयर खरीद लेते हैं। क्यों? अभी प्राइस बढ़ी है, आगे और प्राइस बढ़ेगी, जब आगे और प्राइस बढ़ेगी ना फिर उसको बेच के निकल लेंगे। तो प्राइस जब बढ़ती है ना तो हम और खरीदते हैं उसको प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, फ्यूचर में। ये होता है स्पेकुलेटिव गुड्स में, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। चलिए अब बात करेंगे बेटा चेंजेस इन डिमांड वाले टॉपिक के, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचा है अभी, हमारा बचा है चेंजेस इन डिमांड, फिर बचा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। हम ये दोनों टॉपिक्स करेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग नहीं करने वाले हैं, डिमांड फोरकास्टिंग का अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के मैं डलवा दूंगा बाद में, ठीक है। तो हमको अभी चेंजेस इन डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी करना है अभी, राइट। तो एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ओके ना। तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, टाइम क्या हुआ है, ओके। तो हम एक 5 मिनट, बेटा आपका अगर कोई और क्लास है कृपया करके आप चले जाए दूसरे क्लास देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वन शॉट है, मुझे इसको ख़त्म करना है, ठीक है ना। आपको लगता है कोई दूसरा क्लास देखना है दूसरा देखें, आपकी मर्जी है। आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो ये देखें, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है। हमको ये टॉपिक आज ख़त्म करना है, ठीक ना। चलिए सो मिलेंगे अभी 5 मिनट में।
चलिए ओके, ध्यान देंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या बताइए? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चेंजेस इन डिमांड वाला टॉपिक, ठीक है ना? चलिए आएंगे यहाँ पे। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को बेटा बता सकते हैं हमारे विश्वास बैच के बारे में। ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है जून 24 वाले बच्चों के लिए। अल्टीमेट सी डॉट कॉम पर जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो हम जो है अभी बात कर रहे हैं सॉरी, हम बात कर रहे हैं डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड की। चलिए, तो एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे। बोलते हैं हमारा ये जो डिमांड कर्व है ना बेटा, डिमांड कर्व, ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व क्या दर्शाता है? ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व दर्शाता है बेटा एंटायर रिलेशनशिप। क्या दर्शाता है ये दर्शाता है एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बोलता है ये जो हमारा है ना डिमांड शेड्यूल, क्या दर्शाता है? ये पूरा एक साथ दर्शाता है कि अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी। तो ये एक साथ क्या दर्शा रहा है? डिमांड दर्शा रहा है। ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व एक साथ क्या दर्शाता है? डिमांड दर्शाता है। लेकिन इस डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या दर्शाता है बेटा? ये दर्शाता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड होगा। इस डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या दर्शाता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड होगा, ऐसा। तो चलिए देखेंगे जल्दी से। बोलते हैं डिमांड क्या है? बोलते हैं डिमांड रेफर्स टू द एंटायर, है ना, डिमांड रेफर्स टू द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब पूरा का पूरा डिमांड शेड्यूल, पूरा का पूरा डिमांड कर्व एक साथ क्या दर्शाता है? डिमांड को। लेकिन बेटा क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इट इज द क्वांटिटी विच इज डिमांडेड एट अ स्पेसिफिक प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिप्रेजेंट होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या दर्शाता है? डिमांड कर्व के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बेटा क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है ना? बोलते देखो, बोलते क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कब आता है? जब प्रोडक्ट का सिर्फ प्राइस चेंज होता है ना? तो हमारे प्रोडक्ट का जब सिर्फ प्राइस चेंज होगा, समझो समझो बेटा, मैंने ना इस डिमांड कर्व के हिसाब से, इस डिमांड शेड्यूल के हिसाब से क्या किया है, ये डिमांड कर्व बनाया हुआ है। समझो अगर मार्केट में अभी प्राइस चल रही है 30 रुपीज़, जिसपे हम 6 यूनिट खरीदने को तैयार है, है ना? तो 30 रुपीज़ पे हम क्या कर रहे हैं? हम 6 यूनिट खरीदने को तैयार हैं। अब समझो अगर प्राइस हमारी बढ़ जाती है और 50 हो जाती है तो क्या होगा? प्राइस अगर बेटा हमारी बढ़ के 50 हो जाती है तो क्या होगा बताइए? अब हम 50 रुपये में सिर्फ सिर्फ 2 यूनिट ही खरीदेंगे। क्या हुआ? क्या मुझे नया डिमांड कर्व बनाना पड़ा गया? नहीं, मुझे यही वाले डिमांड कर्व में क्या पता चल गया, मैं इसी डिमांड कर्व में एक पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट पर चला गया और मेरे क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। एंड एंड यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्राइस के बढ़ने पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है। एंड यहाँ पे होता है बेटा अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम, है ना, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सेम डिमांड कर्व। थैंक यू साध, थैंक यू आयशा। सर आई यूज टू हेट इकोनॉमिक्स बट नाउ आफ्टर वॉचिंग योर लेक्चर्स इकोनॉमिक्स इज फन टू लर्न। अरे थैंक यू यार। बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है ना? डन हो गई बात, समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या क्या हो गया कॉन्ट्रैक्शन में? हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आगे डिमांड कर्व पे, राइट? एंड दूसरी चीज देखो, अगर समझो हमारा प्राइस गिर जाता है तो अगर हमारा प्राइस 30 से बेटा हो जाता है 10 रुपये, तो फिर क्या होगा? तो फिर बोलते हैं कि अगर मेरा प्राइस 30 रुपीज़ से हो जाएगा 10 रुपये तो क्या होगा? अब हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे, करेक्ट? हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा तो क्या हुआ? मैं इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पर आ गया। एंड क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बोलते हैं कि जब प्राइस गिरता है ना तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। इसको बोलते हैं बेटा एक्सपांशन ऑफ डिमांड, या इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेटा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है ना? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है ना? आगे बात, नेक्स्ट बात देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से आइए। बोलते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कब चेंज होता है? जब प्राइस से चेंज होता है प्रोडक्ट का। बोलते हैं अगर प्राइस बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व।
जब प्राइस गिरता है तो एक्सपांशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है, एंड यहाँ पे होता है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है ना। अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट बात आती है डिमांड की। बोलते तो पूरा का पूरा डिमांड कब चेंज होगा, बोलते जब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर में चेंज आता है। बोलते व्हेन फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंजेस, तो हमारा पूरा का पूरा डिमांड बदल जाता है। बोलते अगर समझो कोई फेवरेबल चेंज आता है किसी चीज में, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो हमारी इनकम बढ़ गई, और नॉर्मल गुड की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इनकम के बढ़ने में क्या होगा, हम अब हर एक प्राइस पे ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। पहले क्या हो रहा था ना, ऐसा समझो पहले क्या हो रहा था, पहले जो है ना हमारा समझो पहले इनकम थी 10,000 रुपये, आयुष की इनकम थी 10,000। तो बोले अगर 10,000 इनकम है ना, तो 50 रुपये में दो ही चॉकलेट खरीद, दो ही आइसक्रीम खरीद पाऊंगा, 40 रुपये में चार ही खरीद पाऊंगा, 30 पे छः ही खरीद पाऊंगा। लेकिन अगर समझो उसकी इनकम ही बढ़ गई, तो उसकी इनकम हो गई समझो 30,000 रुपये, तो अब क्या बोलेगा, बोलेगा अब तो तेरा भाई 50 रुपये में दो नहीं पाँच चॉकलेट खरीदेगा, अब तो 40 रुपये में चार नहीं आठ चॉकलेट खरीदेगा, अब तो 30 रुपये में छः नहीं 10 चॉकलेट खरीदेगा। आप बात समझ पा रहे हैं, जब हमारा प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर चेंज होता है ना, तो फिर हर एक प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड पूरा ही बदल जाता है। और फिर क्या करते हैं हम, फिर हम ये प्राइसेस को और इस क्वांटिटी डिमांडेड को यूज करके नया डिमांड कर्व बनाते हैं, या पुराने डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देते हैं। सो जब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर चेंज होते हैं, तो एंटायर डिमांड कर्व, एंटायर रिलेशनशिप बदल जाता है, पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो जब कोई फेवरेबल चेंज आता है हमारे किसी फैक्टर में, जैसे इनकम बढ़ने पे राइटवर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड में, इनकम बढ़ने पे क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। अगर इनकम बढ़ा और नॉर्मल गुड की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन डिमांड होगा राइटवर्ड शिफ्ट, हमारा डिमांड कर्व जो है ना वो ऐसा था ना राइटवर्ड शिफ्ट चला जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, है ना। समझो अगर हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, हमारा सब्स्टिट्यूट महंगा हो जाएगा, तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा, एक्सपांशन नहीं इंक्रीज। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे अगर अनफेवरेबल चेंज आया, तो मतलब कि समझो हमारी इनकम कम हो गई, तो नॉर्मल गुड्स के केस में हम डिमांड कम कर देंगे, तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है। समझो अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट गुड्स महंगे हो गए, हमारा कॉम्प्लीमेंट गुड्स महंगा हो गया, तो हमारा भी डिमांड कम हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रही बात है क्या बोलो, बताइए क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस, कम ऑन, आगे बढ़े, नेक्स्ट, खत्म हो गई बात। अब बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। आर यू गाइज रेडी फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जल्दी बताएं, क्या आप सब लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले टॉपिक के लिए रेडी है। यस, कम ऑन, जल्दी बताएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चलिए देखेंगे, चलिए आइए। तो बोलते हैं बोलते है क्या होता है कि देखो, हमने लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने में क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, प्राइस के गिरने में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। लेकिन ये तो सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी, प्राइस ऊपर की तरफ गया ये नीचे की तरफ जाएगा, प्राइस नीचे की तरफ गया ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन वैल्यू का क्या, ये तो सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी। तो वैल्यू बताती है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलते देखो हमारे क्या है, हमारे चार मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जिसका हम इलास्टिसिटी निकालते हैं, जिसको यूज करते हैं इलास्टिसिटी निकालने के लिए। बोलते हैं एक है प्राइस, एक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड एक है इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ध्यान दीजिए बोलते हैं प्राइस, प्राइस के केस में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होता है बताइए, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो हम हमारे गुड का डिमांड कम हो जाएगा, है ना। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बोलते हैं समझो अगर रिफिल जो है ना महंगी हो गई, तो बोलेंगे भैया पेन हम कम खरीदेंगे, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स अगर रहे इनकम बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनफेयर गुड्स रहा तो इनकम बढ़ेंगी तो डिमांड गिरेगी। एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, अगर हम हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट कम करेंगे तो कम होगी। लेकिन ये तो सिर्फ डायरेक्शन की बात होगी, वैल्यू का क्या। बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि समझो प्राइस हमारा बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, ये तो डायरेक्शन की बात होगी। लेकिन वैल्यू का क्या, मतलब अगर मेरा प्राइस 20% से बढ़ता है, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना वो गिरेगा, ये मुझे पता है, पर कितने से गिरेगा, इसका जवाब देता है बेटा
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारा -3। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जिस, पहली बात माइनस साइन, माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा ना तो डिमांड नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, ये बता रहा है माइनस साइन, इनवर्स रिलेशन। एंड थ्री क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेटा मैग्नीट्यूड, कि अगर ये 20% से बढ़ा ना तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 × 3 60% से गिरेगा। समझ में आ रही बात है, यस नो मुझे बताइए। सिमिलरली अगर हम इनकम की बात करें, सिमिलरली है ना, इनकम की अगर हम बात करें, इनकम की बोलते देखो, अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन ये तो डायरेक्शन की बात होगी, वैल्यू का क्या। मैंने बोला अगर इनकम 40% से बढ़ेगा ना तो हमारा नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितने से, बोलते समझो इनकम इलास्टिसिटी है 0.50, बोलते प्लस 0.50। प्लस में क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनकम के बढ़ने पे नॉर्मल गुड का डिमांड भी बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है, अगर हमारे डिटरमिनेंट का और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव, अगर हमारे डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है तो इलास्टिसिटी नेगेटिव आएगा, ऐसा कॉमन सेंस। अब बोलते 0.5 मतलब कि जब जब इनकम चेंज होगी ना तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 0.5 टाइम्स रिस्पॉन्ड करेगा, तो 40% × 0.5 20% से डिमांड हमारा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। समझ में आ रही बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ बताइए जल्दी फास्ट। क्या बात समझ में आ रही, मैं आगे बढ़ूं, डन। डन के लिए बात, ओके नेक्स्ट, अगली बात फिर क्या है, समझ में आ रही ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बताता है इनकम इलास्टिसिटी, राइट। तो इलास्टिसिटी क्या बता रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलास्टिसिटी बस हमें ये बता रहा है कि कोई भी एक डिटरमिनेंट के बदलने के वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। सो पहला देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या बताता है, ये बताता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस के बदलने पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, पर कितने टाइम्स चेंज होगा, कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलते इसको निकालने के चार तरीके हैं, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, टोटल आउटले मेथड। चलिए देखेंगे, सबसे पहली बात आती है परसेंटेज मेथड, है ना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, आप सबको पता होगा कि हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, एक बार जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे बेटा आप सब लोग, मुझे जल्दी से आप सब लोग आंसर बताएंगे, ठीक है ना। चलो मुझे बताइए, अगर मेरी प्राइस जो है वो हो जाती है ₹50 से ₹70 और मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हो जाता है 200 यूनिट से 200 यूनिट से बेटा ये हो जाता है 160 यूनिट्स, ठीक है ना। तो आपको मुझे बताना है जल्दी से कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। यस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है बताइए। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यस कम ऑन, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे जल्दी बताएंगे। यस कम ऑन जल्दी से, आंसर क्या आएगा, है ना, वेरी गुड, आंसर क्या आएगा जल्दी बताएंगे। अरे सर कितना आसान है सर, तो क्या थोड़ी डिफिकल्ट पूछो, ये तो कितना आसान है ना, कितना आसान है सर ये तो। तो बच्चा क्या बोल रहा है पता है क्या, बच्चे क्या बोल रहे हैं, अरे सर 40 अपॉन 20, हाँ
माइनस टू। ढोकले दनादन फटके लगेंगे, आंसर माइनस टू नहीं है। तुमने ये 40 क्या है, 40 क्या है, माइनस 40 क्या है, चेंज इन क्वांटिटी है ये। 40 यूनिट से क्वांटिटी कम हो रही है। ये 20 क्या है, ये चेंज इन प्राइस है, 20 रुपए से प्राइस बढ़ रही है। हमको इलास्टिसिटी के लिए क्या चाहिए, हमको इलास्टिसिटी के लिए चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो निकालना पड़ेगा ना ढोकले। हाँ, तो परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकलेगा सर परसेंटेज चेंज? बोलते हैं परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100, ऐसे निकलता है परसेंटेज चेंज। न्यू क्वांटिटी क्या है, 160 माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 100, समझा ना? वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। बताइए कितना आ रहा है, 40 अपॉन 200 मतलब 1/5, मतलब 20% से गिर रही है क्वांटिटी। एंड प्राइस 20 अपॉन 50, 1 अपॉन 2.5, मतलब 40% कितना हो गया बताइए, 40%। तो क्या हो रहा है, बोलेंगे माइनस 20% से क्वांटिटी गिर गई एंड 40% से प्राइस बढ़ गई। बोलते हैं 40% से प्राइस बढ़ने की वजह से 20% से क्वांटिटी गिर रही है। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर आएगा -5। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको ऐसा डायरेक्ट माइनस करके नहीं करना है, परसेंटेज चेंज चाहिए अपने को, ठीक है ना? लेकिन बोलते हैं कि देखो क्या हम हर एक केस में ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? हाँ, हम हर एक केस में बना सकते हैं ऐसा फॉर्मूला। बोलते हैं देखो, चाहे प्राइस इलास्टिसिटी हो, इनकम इलास्टिसिटी हो, क्रॉस इलास्टिसिटी हो, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी हो, सब में यही फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का। क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। बोलते हैं जब मैं बात कर रहा हूं ना प्राइस इलास्टिसिटी की, मतलब क्या है कि प्राइस के बदलने पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आ जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इनकम इलास्टिसिटी बोल रहा हूं तो क्या होगा, इनकम के बदलने पे डिमांड कितना चेंज होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर ये मैं यूज कर रहा हूं तो क्रॉस इलास्टिसिटी, कि हमारे रिलेटेड गुड के प्राइस के वजह से हमारे गुड का डिमांड कितना चेंज होगा, तो डिनोमिनेटर में रिलेटेड गुड का प्राइस ले लो। एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में क्या करते हैं हम, यहां पे डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ले लेंगे, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अब अगली बात, नेक्स्ट बात यह है कि हम बेटा इसको ही जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, जब मैं इसी चीज को और सिंपल वे में लिखता हूं, तो ये मुझे मिलता है फॉर्मूला। मतलब कि इलास्टिसिटी को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से, इससे और इससे सेम आंसर आता है, इससे और इससे सेम आंसर आता है। समझ में आ रही बात है? दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है? तो एक बार ये चेक करके देखते हैं। ये है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, परसेंटेज नहीं, सिर्फ चेंज इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। चलिए ये हमारे क्वेश्चन में चेक करके देखते हैं, ये वाला, कि हमारे क्वेश्चन में क्या ये हम लगा पा रहे हैं या नहीं। लेट्स सी, चलिए क्या हम ये क्वेश्चन में लगा पा रहे हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है ना? पहले आंसर -0.5 आया था, अब चेक करते हैं। देखो मैंने बोला इलास्टिसिटी निकालने का दूसरा तरीका क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस क्या है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या है, 50। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, 200। आंसर बताइए, आंसर निकाल लेना बेटा, आंसर -0.5 ही आना है वापस से। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का आंसर सेम आता है। सर तो क्या ऐसा सिंप्लीफिकेशन हम बाकी केसेस में कर सकते हैं? यस, बाकी जगहों पे भी ये होता है। आइए देखिए, हमने प्राइस इलास्टिसिटी में इसको ऐसा लिखा, तो क्या इनकम इलास्टिसिटी में इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ। क्या क्रॉस इलास्टिसिटी में इसको ऐसा कर सकते हैं? हाँ। क्या एडवर्टाइजमेंट में इसको ऐसा कर सकते हैं? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। तो परसेंटेज मेथड में क्या होता है बताइए,
परसेंटेज मेथड में ये चीज होती है। ये बात समझ में आ रही है? अगली बात देखें, इसी चीज को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? याद करो, हमने आपको पढ़ाया था स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। याद बताएं मुझे जल्दी से, मेरा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? याद रहे? माइनस चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ऐसा कुछ याद रहा है क्या आपको? धुंधला धुंधला क्या आपका ऐसा धुंधला धुंधला याद रहा? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, क्या ये क्या आपको दिख रहा है कि ये जो चीज है ना, ये इसका रेसिप्रोकल है? हाँ, मतलब कि हम इसके बदले ऐसा लिख सकते हैं, वन अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे ये करो या ये करो, तीनों से आंसर क्या आता है बेटा? सेम आता है। समझ पा रही बात में? क्या करो बताइए जल्दी फास्ट। क्या आसान लग रहा है? तो बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना अगर स्लोप दे दिया क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना है, वन अपॉन स्लोप अपॉन इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है? अगली बात देखेंगे, यहाँ पे आइए नेक्स्ट बात देखेंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चारों केस में बेसिक तो सेम ही है। अब अगली बात बेटा आती है कि सर नेगेटिव साइन का लोचा इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी में लोचा आता है। ये लोचे का क्या करना है बोलते? देखो क्या होता है मुझे बताइए। जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि इसमें इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है, तो अगर हम मैथमेटिक्स फॉलो करें तो हमको पता है कि माइनस टू ज़्यादा होता है माइनस सिक्स से, तो हम ऐसा बोलेंगे कि प्रोडक्ट ए की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जबकि ये गलत चीज़ है। पर क्यों? क्योंकि हमसे गड़बड़ क्यों हुई पता है क्या? हमसे गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि हमने माइनस साइन को कंसिडर किया। एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ए में प्राइस के बदलने में सिर्फ दो गुना रिस्पॉन्ड करता है डिमांड, लेकिन प्रोडक्ट बी में प्राइस के बदलने पे 6 गुना रिस्पॉन्ड करता है डिमांड। आप समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं? मतलब कि हमारा प्रोडक्ट बी का इलास्टिसिटी एक्चुअली ज्यादा है, पर हमसे ये गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि हमने माइनस साइन को कंसिडर किया। तो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए हमको माइनस साइन को इग्नोर करके देखना चाहिए, तब हमें ज्यादा करेक्ट कंक्लूजन निकल के आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं? ऐसा है ना? तो ओनली फॉर द मैटर ऑफ टेकिंग कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन हमें माइनस साइन को इग्नोर करना चाहिए। कहां पे? ओनली इन केस ऑफ, है ना, देखो सिर्फ Only in case of price elasticity of demand, income में नहीं, cross में नहीं, advertisement में नहीं, सिर्फ price elasticity में। समझ में आ रहा है? तो सर फिर हम जो है सर फिर एग्जाम में क्या करेंगे? समझो अगर हमारा आंसर आ रहा है सर प्राइस इलास्टिसिटी -1.5, अब हमारे पास ऑप्शन है 1.5 -1.5 -2। तो सर हमारा आंसर आया इलास्टिसिटी का -1.5, क्या टिक मारे? अब माइनस में बेटा प्राइस इलास्टिसिटी होता माइनस में ही है, माइनस वाला दिया है कि ऑप्शन में, तो उसको चुन लो। लेकिन अगर समझो आपको ये दिया ही नहीं है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि आपको जो है बेटा ये नहीं दिया है, एक मिनट रुकेंगे। लेकिन अगर बेटा समझ लीजिए कि आपको ये नहीं दिया है, ठीक है ना, मतलब कि आपको बेटा माइनस वाला नहीं दिया है समझो ऑप्शन में, तो फिर क्या करेंगे? समझो आपको ऑप्शन में माइनस वाला नहीं दिया है, आपको लगा 1.5 3 2 -2, अब क्या करोगे? तो अब अगर ऐसा है तो प्लस वाला चुन लेंगे। अगर इसमें हमें नन ऑफ द अबव दिया हो तो, इसमें समझो अगर ये नन ऑफ द अबव दिया हो तो भी प्लस वाला चुन लेंगे। मतलब सिंपल बात है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर वैसे तो आंसर माइनस में आएगा, अगर माइनस वाला दिया है तो उसको चुन लो ऑप्शन में, अगर नहीं दिया है तो फिर इसको चुनना है। किसमें होगा ये किसमें होगा जल्दी बताएं किसमें
इसमें सिर्फ 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 ओनली 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 क्या बताइए? तन्मारा ना प्राइस इलास्टिसिटी से डिमांड, ठीक है ना? आगे बढ़े, राइट? और बहुत आएगा नहीं बेटा, ऐसे फालतू सवाल मत पूछा करो, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो दिस इज परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बात आती है बेटा पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या बताता है, ध्यान दीजिए। पॉइंट मेथड क्या बोलता है कि जब हमारे प्राइस में बहुत ज़्यादा छोटू चेंज आता है, जब हमारे प्राइस में बहुत छोटू, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इनफाइनाइटिज्मल। जब हमारे प्राइस में बहुत ही छोटू चेंज आता है ना, तब हम यूज़ करते हैं क्या, क्या बताइए? पॉइंट मेथड। इसमें दो तरीके हैं, एक होता है यूजिंग डेरिवेटिव मेथड, एक होता है यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है ना? डेरिवेटिव मेथड क्या होता है, सेम यही वाली चीज़ है, बस यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। बोलते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ये होता है डेरिवेटिव मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है, ये होता है बेटा लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब कब ये यूज करना है ध्यान दीजिए। बोलते देखो, जब क्वेश्चन में कोई भी मेथड नहीं दिया ना, क्वेश्चन में कि कोई कौन सा मेथड से यूज करना है ये नहीं दिया, तो क्या करेंगे? तो परसेंटेज मेथड यूज कर लेंगे। समझो अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस का चेंज बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो क्या करेंगे? तो पॉइंट मेथड यूज करेंगे। अच्छा, अगली बात बोलते, जब क्वेश्चन में हमें डेटा डेटा दिया है क्वांटिटी डिमांडेड का इक्वेशन फॉर्म में, आपको बोला है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन में, समझ लीजिए आपको बेटा क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपको बोला है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज 100 माइनस 2p, प्राइस इज इक्वल टू 15, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब क्वेश्चन में आपको ऐसा इक्वेशन फॉर्म में देते हैं ना, जब क्वेश्चन में आपको ऐसा इक्वेशन फॉर्म में देते हैं ना, क्या क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट का वैल्यू, तो आपको डेरिवेटिव मेथड लगाना होता है। तो यहां पे बोलूंगा प्राइस इलास्टिसिटी विल बी डेरिवेटिव ऑफ 100 माइनस 2p विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। सर यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी कैसे निकलेगी? तो इस ये प्राइस को इधर इनपुट कर दो, बोलेंगे 100 माइनस 2 इंटू 15 दैट इज 70 यूनिट्स, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। अब सर इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है याद रखना, अभी डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसका जो कोएफिशिएंट है ना, यही होता है इसका डेरिवेटिव। मैंने क्या किया, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है जो इसका कोएफिशिएंट है ना, यही इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा -2। समझा क्या बात क्या बोल रहा हूँ? जो प्राइस का को एफिशिएंट रहता है ना, वही इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसका लॉजिक हम बाद में रेगुलर क्लासेस में बताते हैं। वैसे इनटू करेंगे, प्राइस क्या दिया है 15 और हमारा क्वांटिटी कितना आया 70, तो आंसर आ जाएगा -30/70, ये हो जाएगा इलास्टिसिटी। तो अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में दिया हो ना क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्या करेंगे? तो आप बेटा यूज करेंगे डेरिवेटिव मेथड। अगर आपको बेटा, अगर आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि डिमांड कर्व इज मीटिंग द टू एक्सिस, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन द डिमांड कर्व इज मीटिंग द टू एक्सिस, तब क्या करेंगे? तब आपको पॉइंट मेथड, ग्राफिकल ज्योमेट्रिक मेथड यूज करना चाहिए। ये है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। क्या बोलता है? यहाँ पे बोलता है देखो, अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है क्या प्राइस इलास्टिसिटी, क्या करूंगा? लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट, ऐसा। तो जब आपको बोले ऐसा कि व्हेन द डिमांड कर्व इज मीटिंग बोथ द एक्सिस, तो क्या करेंगे आप? पॉइंट मेथड लगाएंगे, ज्योमेट्रिक वाला, आप समझे? तो यहाँ पे MCQ आएगा। समझो आपका डिमांड कर्व इज मीटिंग बोथ द एक्सिस, ये देखो टच कर रहा है दोनों एक्सिस को, बोलेगा एक्स एक्सिस पे क्या होगा बताओ इलास्टिसिटी। अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, लोअर सेगमेंट यहाँ पे जीरो है, तो लोअर सेगमेंट सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा इलास्टिसिटी। अगर मिड पॉइंट का पूछा तो कि मिड पॉइंट पे है ना, अ पॉइंट विच बाइसेक्ट्स, अ पॉइंट विच व्हाट, अ पॉइंट विच बाइसेक्ट्स द डिमांड कर्व, मतलब कि ये वाला एरिया और ये वाला लेंथ, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, ये दोनों तो इक्वल है, तो इलास्टिसिटी 1 आती है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे क्या आएगी इलास्टिसिटी? 0 आएगी। मिड पॉइंट पे क्या आएगी इलास्टिसिटी? 1 आएगी। वाई एक्सिस वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या आएगी? अब इसका अपर सेगमेंट कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आएगी? लोअर सेगमेंट अपॉन 0, मतलब इन्फेनाइट। समझ में आ रहा है? फिर बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा, मिड पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का कोई पॉइंट है,
यहाँ पे क्या है ना बेटा, लोअर सेगमेंट है छोटा, अपर सेगमेंट आपका बड़ा है, समझ में आ रहा है? मतलब कि आपका यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, न्यूमरेटर छोटा है, अपर सेगमेंट बड़ा है, तो क्या करेंगे बताओ? तो यहाँ पे जो है ना हम बेटा, हमारा इलास्टिसिटी लेस देन वन आएगा और यहाँ पे ग्रेटर देन वन। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, हमारा इलास्टिसिटी का वैल्यू बढ़ते जाता है। जीरो, जीरो और वन के बीच में यहाँ पे होता है, यहाँ पे वन वैल्यू होती है, यहाँ पे वन और इन्फिनिटी के बीच में है, और यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया पॉइंट मेथड। अगली बात आती है बेटा आर्क मेथड। सर आर्क मेथड को क्या बोलते हैं, याद रखना है, हम इसको मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन में जनरली दिया गया होगा कि यूज आर्क मेथड टू सॉल्व इलास्टिसिटी, समझ में आ रहा है? इसको मिड पॉइंट याद रखना है, पॉइंट मेथड अलग है, मिड पॉइंट मेथड अलग है। यहां पे क्या होता है ना, यहां पे हमको पता नहीं होता है कि ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस क्या है, उस समय आर्क मेथड यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है बेटा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इनटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। या आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2, आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। मतलब क्या करना है आपको, दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है, दोनों क्वांटिटी का ऐड करना है, इनटू प्राइस का एडिशन न्यूमरेटर में, प्राइस का डिफरेंस डिनोमिनेटर में, ऐसा। अब चाहे अगर आपको टू वाला पहले करना है तो हर जगह पे दूसरी वाली पहले लेना, अगर वन वन वाला पहले चाहिए तो वन वन वाला पहले लेना। दोनों से आंसर सेम आता है, आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको चार डेटा दिया रहेगा, P1 P2 Q1 Q2, बस ये फॉर्मूला में इनपुट करके आंसर निकालना है, खत्म। अगली बात आती है बेटा आपकी, नेक्स्ट बात आती है टोटल आउटले मेथड। बोलते हैं टोटल आउटले मेथड में क्या होता है ना, यहां पे हम क्या करते हैं, हम टोटल आउटले मेथड में क्या करते हैं ना, बोलते हैं देखो देखो, प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर के नजरिए से। समझो मैंने, मुझे ना 10 चॉकलेट खरीदनी थी, मुझे 10 चॉकलेट खरीदनी थी, एक चॉकलेट है 20 रुपए की, तो क्या हो जाएगा, मुझे 200 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर के नजरिए से क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले। अब मैंने 200 रुपये जेब से निकाले और दुकानदार को दिए, तो दुकानदार का रेवेन्यू, उसका सेल कितना हुआ, 200 रुपये का। सो हम टोटल आउटले मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर एंड आउटले की जो वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो कंज्यूमर के नजरे से देखो तो एक्सपेंडिचर, सेलर के नजरे से देखो तो रेवेन्यू, समझ में आ रहा है? बोलते इस मेथड में हम क्या करते हैं ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इस मेथड में बोलते हैं कि प्राइस के बदलने पे टोटल रेवेन्यू चेंज होगा। हम प्राइस के चेंजेस को और टोटल रेवेन्यू के चेंजेस को बस कंपेयर करके देखते हैं और बताते हैं कि डिमांड कैसी होगी। हम यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू की, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ये मेथड समझने के लिए आपको पहले यहां पे आना पड़ेगा। बोलेंगे देखो, वैसे देखा जाए प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है ना वैसे देखा जाए बेटा वैसे देखा जाए बेटा प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू वैसे क्या होता है, वैसे प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू नेगेटिव ही होता है। वैसे प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता है बेटा, नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना? लेकिन अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, लेकिन बेटा इंटरप्रिटेशन के पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटरप्रिटेशन के पर्पस के लिए बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 से इन्फिनिट के बीच में है, समझ में आ रहा है? हम इंटरप्रिटेशन के लिए माइनस साइन को इग्नोर करते हैं ना, तो बोलते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, वैल्यू को समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि इसमें माइनस साइन को इग्नोर करो। तो इंटरप्रिटेशन के लिए प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू 0 से इन्फिनिट के बीच में, समझा? अगर आपको पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या बोलोगे, इसका रेंज होता है ये, दिस इज द रेंज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये रेंज है। लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू कहाँ होगी, 0 से इन्फिनिट के बीच में। बोलते हैं कि जब हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 होता है 0, तब हमारा वर्टिकल डिमांड कर्व होता है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो
इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड हमारी ढीठ है, प्राइस के बदलने पे चेंज ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वर्टिकल डिमांड कर्व होता है, या डिमांड कर्व होता है बेटा पैरेलल टू वाई एक्सेस या प्राइस एक्सेस बोलते हैं। जब प्राइस बदलता है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ही नहीं हो रहा, क्वांटिटी जीरो नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज जीरो है। यहाँ पे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगला बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी बेटा जब वन होता है ना, वन प्राइस इलास्टिसिटी जब वन होता है, इसका मतलब क्या है कि जितना चेंज हमारा प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी में हो रहा है, इसका ये मतलब है। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या डिमांड का, या यहाँ पे ये चीज़ होती है, या यहाँ पे बेटा डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, एमसीक्यू आ सकता है। बोलते डिमांड कर्व का शेप होता है बेटा यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी पॉइंट से बेटा राइट एंगल पे लाइन बनाए, जैसे डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट से हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट से समझो राइट एंगल लाइन बनाई एक्स और वाई एक्सिस में, तो इससे क्या होता है बोलते हैं जो जो हमारा जो एरिया हमारा ये ब्लू वाले रेक्टेंगल का आएगा ना, एरिया जो एरिया ये ब्लू वाले रेक्टेंगल का आएगा ना, कैसे आएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। जो एरिया ब्लू वाले रेक्टेंगल का आएगा ना बेटा, वही सेम एरिया मेरे ये रेड वाले रेक्टेंगल का भी आएगा, राइट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बताता है कि अगर हम इस कर्व से कोई भी एक पॉइंट से राइट एंगल पे लाइंस बना दे, तो जो रेक्टेंगल बनते हैं ये रेक्टेंगल्स का एरिया सेम आता है। कहां होता है ये? जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन होता है। अगली बात, फिर बात आती है कि सर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या इन्फिनिट हो सकता है? हाँ, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होना, ठीक है ना। यहां पे हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस। बोलते हैं अगर यहां पे थोड़ा सा भी प्राइस कम कर दिया ना, तो एकदम से पुराने प्राइस पे डिमांड जो है जीरो हो जाएगी और नए प्राइस पे डिमांड इन्फिनिट हो जाएगी। ये जनरली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फाइनली बेटा बात आती है इन इलास्टिक एंड इलास्टिक। इन इलास्टिक डिमांड होता है जब प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। कब होगा ये? जब प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, पर थोड़ा सा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस के बढ़ने पे, प्राइस समझो 30% से बढ़ा तो क्वांटिटी गिरेगा, लेकिन क्वांटिटी समझो सिर्फ 15% से गिरा, तो प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज हो रहा है पर थोड़ा सा, मतलब प्राइस के मुकाबले कम हो रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब चेंजेस नहीं हो रहा क्वांटिटी। रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब क्वांटिटी चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने पे, लेकिन थोड़ा बहुत। यहाँ पे थोड़ा स्टीपर डिमांड कर्व होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पे स्टीपर डिमांड कर्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या होता है यहाँ पे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आ रहा है? प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे थोड़ा फ्लैटर डिमांड कर्व हमारा होता है, इसे इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे आइए वापस, तो जल्दी से एक बार समरी देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी जीरो, तो परफेक्टली इन इलास्टिक। वर्टिकल डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, इनफाइनाइट है इलास्टिसिटी, तो परफेक्टली इलास्टिक। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वल टू वन है, तो यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। क्या होता है यहाँ पे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, तो इलास्टिक डिमांड, है ना, या रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे फ्लैटर डिमांड कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन वन, तो इन इलास्टिक डिमांड कर्व या स्टीपर डिमांड कर्व होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए वापस आएंगे, तो अब जो है ना, बोलते हैं कि हम जो है टोटल आउटले मेथड में सिर्फ यही बता सकते हैं कि डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, बस। तो हम क्या करते हैं टोटल आउटले मेथड में, कंपेयर करते हैं किसको? प्राइस के चेंजेस को और टोटल रेवेन्यू के चेंजेस को। हम बोलते हैं कि समझो अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, या प्राइस के गिरने पे टोटल रेवेन्यू कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। आपको एमसीक्यू पूछेगा कि एक रेस्टोरेंट में हमने प्राइस बढ़ाया, लेकिन पहले जितना टोटल रेवेन्यू था ना, अभी भी उतना ही टोटल रेवेन्यू है, बताओ कितना होगा इलास्टिसिटी? वन। समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल पूछेगा आपको। सवाल पूछेगा कि समझो हमें ना टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है, और हमारा इलास्टिसिटी जो है ना वो इलास्टिक है,
हमारा डिमांड इलास्टिक है, हमारा इलास्टिक डिमांड है और हमें टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है, तो क्या करें? बोलते देखो इलास्टिक डिमांड कब होता है यहाँ पे, जब प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू गिर जाए या प्राइस के गिरने पे टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए। मतलब जब बेटा प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में इनवर्स रिलेशन होता है ना, तब होता है इलास्टिक डिमांड। तो अब सवाल क्या पूछेगा कि हमें रेस्टोरेंट में टोटल रेवेन्यू बढ़ाना था और हमारा इलास्टिक डिमांड है, तो क्या करें? बोले प्राइस को कम कर दो। अगर हम प्राइस को कम कर देंगे ना, तो क्या होगा? इलास्टिक डिमांड के वजह से, प्राइस कम होने के वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। समझा ऐसा सवाल? एंड अगर समझो, बोलते हैं कि अगर प्राइस के कम होने पे, अगर बेटा प्राइस के कम होने पे टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है या प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ओहो डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू में, तो क्या होगा? तो इन इलास्टिक डिमांड होता है। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए जल्दी, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस नो मुझे बताइए, पक्का? डन, बस इतना ही है टोटल आउटले। आगे बढ़े नेक्स्ट, तो हमने आपको ये बता दिया, आगे बढ़े। हाँ, अभी एडिशनल पॉइंट्स ऑफ टोटल आउटले। अब इसमें ना बेटा इन्होंने और भी एक नई चीज़ डाली है, जो कि है प्राइस इफेक्ट क्वांटिटी इफेक्ट। ये प्राइस इफेक्ट वो रैशनल वाला नहीं है, ये रैशनल वाला नहीं है, ठीक है ना? अब ये क्या बोलता है, देखो सुनो बात ध्यान से। बोलते जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना, तो टोटल रेवेन्यू के साथ क्या होगा? बोलते देखो जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ना, तो क्या होता है कि अब हम सेम क्वांटिटी को क्या ज्यादा प्राइस पे बेच पाएंगे, तो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है प्राइस इफेक्ट, ठीक है? बोलते हैं प्राइस के बढ़ने के वजह से क्या होता है कि हम अब हर एक यूनिट को ज्यादा प्राइस पे बेच पाएंगे, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन क्वांटिटी इफेक्ट क्या बोलता है ना, कि प्राइस के बढ़ने पे हमारा क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगा तो कम क्वांटिटी बेच पाऊंगा, तो हमारा टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा। टोटल रेवेन्यू क्या होगा बताइए? गिर जाएगा। समझ मारी बात है? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, ये ना उससे अलग है बेटा, ये वो नहीं, ये रैशनल वाला नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि देखो प्राइस के बढ़ने पे हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा कि कम होगा? प्राइस के बढ़ने पे हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा कि कम होगा? बोले देखो प्राइस के बढ़ने पे क्या होता है ना, प्राइस इफेक्ट बोलता है कि हम सेम यूनिट को ज्यादा प्राइस पे बेच पाएंगे, तो ये बोलता है टोटल रेवेन्यू तुम्हें ना बढ़ना चाहिए। लेकिन प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी इफेक्ट क्या बोलता है? ओहो प्राइस बढ़ गया, क्या अब तो कम क्वांटिटी बिकेगी, एक काम करो टोटल रेवेन्यू तुम्हें ना कम होना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम बिकेगी ना प्राइस बढ़ गया है। तो फाइनली होगा क्या प्राइस के बढ़ने पे, फाइनली होगा क्या? बोले वो डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी कैसी है, वो डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी कैसी है। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर मेरा इलास्टिक डिमांड है, मतलब अगर मैंने बोला कि इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिए। मैंने अगर बोला बेटा कि इलास्टिक डिमांड है, मतलब क्या है? मतलब कि प्राइस के बढ़ने पे क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू गिरना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा होता है इलास्टिक डिमांड में। मतलब कब होगा ऐसा? प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू कब गिरता है? जब ये ज्यादा होता है प्राइस इफेक्ट से। सो इलास्टिक डिमांड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका क्वांटिटी इफेक्ट ज्यादा होता है प्राइस इफेक्ट से, या क्वांटिटी इफेक्ट आउटवेज प्राइस इफेक्ट। अगली बात बोलते हैं, अगर हमारा इन इलास्टिक डिमांड होता है, तो हमने क्या पढ़ा कि प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, है ना? ऐसा कब होगा? जब इन दोनों में से ये ज्यादा बड़ा हो। मतलब इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, यहां पे क्वांटिटी इफेक्ट कम होता है प्राइस इफेक्ट से, इसके वजह से क्या होता है बताओ, हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है प्राइस के बढ़ने पे। देखो ये नया टॉपिक है, मैंने बहुत डिटेल में फास्ट ट्रैक बैच में बताया था, रेगुलर बैच में बताया था, ऐसा हो सकता है आपने जहां से क्लास की हो वहां पे ये ना पढ़ाया, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में नया पॉइंट इंसर्ट किया था इंस्टीट्यूट ने, और बहुत से लोग हैं जो बुक अपडेट ही नहीं करते हैं। तो अभी मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना आप याद रखें, ज़्यादा टेंशन मत लो फिर इस चीज़ में, मैं इसको एक फाइनल समरी भी देने वाला हूँ आगे। अब मुझे बताओ, अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती तो
प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू वन होता तो क्या होता? तो प्राइस के बढ़ने पे टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज आता ही नहीं, मतलब कि जितना रेवेन्यू बढ़ता ना उतना ही कम हो जाता। समझो पहले मेरा रेवेन्यू था 200 रुपये का, प्राइस इफेक्ट बोलता रेवेन्यू 30 रुपये से बढ़ जाओ, क्वांटिटी इफेक्ट बोलता नहीं नहीं रेवेन्यू 30 रुपये से गिर जाओ, तो नया रेवेन्यू फिर से 200 ही आएगा ना। तो बोलते हैं ये कब होता है, जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है तब क्या होता है, तब ये दोनों इक्वल होते हैं। तब क्या होता है, तब आपका प्राइस इफेक्ट इज या क्वांटिटी इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट। समझ में आ रहा है? अब इसको ना कैसे याद करना है, आपको सवाल पूछेगा बताओ बताओ इलास्टिक डिमांड है तो क्वांटिटी इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट में रिलेशनशिप बताओ एज पर टोटल आउटले मेथड। इलास्टिक डिमांड मतलब क्या कि प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, तो यहां पे क्या होगा, ये इससे ज्यादा होगा, खत्म। अगली बात, आपको पूछा कि बताओ इन इलास्टिक डिमांड में टोटल आउटले मेथड के हिसाब से क्वांटिटी इफेक्ट प्राइस इफेक्ट में क्या होता है। हमने बोला यार इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है ना कि प्राइस अगर बहुत ज्यादा भी बढ़ा ना क्वांटिटी थोड़ा सा ही बढ़ता, क्वांटिटी में ज्यादा पावर नहीं रहता। अच्छा यहाँ पे प्राइस इफेक्ट ज्यादा होगा क्वांटिटी इफेक्ट से, खत्म। अगर आपको पूछा कि हमें बताइए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, टोटल आउटले मेथड से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, बोले जितना क्वांटिटी इफेक्ट उतना ही प्राइस इफेक्ट, खत्म। समझ में आ रहा है? लॉजिकली याद रखे तो भी याद हो जाता है। ये नया पॉइंट है बेटा हमारे स्टडी मटेरियल में, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बता दिया। नेक्स्ट मुझे बताइए एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कर सकते हैं क्या आप सब, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी क्या होगा ये? ये भी आसान है, इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो परसेंटेज मेथड या तो आर मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें स्लोप वाला नहीं आएगा बेटा। अरे स्लोप तो डिमांड कर्व बनेगा तब होगा ना, और डिमांड कर्व कब बनता है, जब प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप हो। यहां पे स्लोप वाला नहीं आएगा ना बेटा, यहां पे तो एडवर्टीजमेंट एंड डिमांड का रिलेशनशिप देख रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसमें स्लोप नहीं आता। हाँ परसेंट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन एडवर्टीजमेंट इनटू ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, खत्म। तो ये यूज करो या ये करो आंसर सेम आएगा, ठीक है ओके। तो जब मेथड कुछ भी नहीं बोला तो ये यूज करने का, बोला है कि आर्क मेथड यूज करो, तो क्या करेंगे, डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन अपॉन क्या बताइए, एडिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू एडिशन ऑफ प्राइसेस अपॉन डिफरेंस इन प्राइसेस। क्या मैं इसमें वन वन वाले पहले लिख सकता हूँ क्या? यस मैं वन वन वाले पहले लिख सकता हूँ, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात बेटा देखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। बहुत ही चिल्टू चिल्टू बातें हैं। बोलते देखो अगर हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बोलते हैं ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे फैक्टर्स बेटा जिसके वजह से हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट होता है, ये क्या होते हैं देखिए। पहला बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलते अगर हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो जैसे ही प्राइस हमारा बढ़ेगा ना, लोग हमारा प्रोडक्ट छोड़ के तुरंत दूसरा प्रोडक्ट खरीदना चालू कर देंगे, हमारा डिमांड दन से कम हो जाएगा, तो डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। तो बोलते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट होते हैं तो इलास्टिक डिमांड, अगर हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट नहीं है तो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड। बोलते हैं अगर हमारा प्राइस बढ़ भी गया ना, लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है खरीदने का, तो दूसरा चीज खरीद ही नहीं पाएंगे, इन इलास्टिक डिमांड। समझ रहे बात? आगे बोलते हैं कि अगर हम गुड्स को एज अ ग्रुप देखें, बोलते हैं गुड्स को एज अ ग्रुप जेनरिक बेस में देखें, जेनरिक मतलब क्या, बोलते हैं जैसे पेट्रोल, बोले पेट्रोल का काम तो पेट्रोल ही करेगा, पेट्रोल का डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। पेट्रोल अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, उसमें पेट्रोल ही डाल पाएंगे। लेकिन अगर मैं पेट्रोल की अलग अलग ब्रांड देखूं, कंपनी देखूं, जैसे जैसे मैंने बोला एचपी का पेट्रोल पंप, आईओसीएल का पेट्रोल, बीपीसीएल का पेट्रोल, समझ पा रहे? तो अगर मैं ब्रांड वाइज देखूंगा तो इलास्टिक डिमांड, मतलब अगर मैं किसी गुड को जेनरिक बेसिस पे देख रहा हूँ, एज अ होल देख रहा हूँ, जैसे सॉल्ट, मतलब नमक, नमक का काम तो नमक ही करेगा, नमक का डिमांड है इन इलास्टिक। लेकिन अगर मैं ब्रांड वाइज देखूं तो पतंजलि का नमक है ना, टाटा टाटा कंपनी का नमक, गाय छाप नमक,
अलग अलग ब्रांड देखूंगा तो इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। अगर टाटा नमक महंगा होगा तो लोग टाटा नमक को छोड़ के पतंजलि का नमक खरीदेंगे फिर। ये समझ पा रहे हैं? बच्चों को बहुत बार पता नहीं रहता, याद रखना है। नेक्स्ट, अगली बात बोलते हैं पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर्स बजट। अगर हम किसी प्रोडक्ट पे हमारे इनकम का ज्यादा प्रतिशत खर्चा करते हैं ना, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि हमको मैटर करता है वो। समझो, अगर हम सॉल्ट, नमक, अब नमक आता कितना है, 10-20 रुपए का आता है 1 किलो। अब नमक महंगा हो भी गया तो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे रेंट, घर का जो रेंट है, कपड़े जो आप खरीदते हैं, ये मैटर करता है, इसमें हमारे इनकम का ज़्यादा प्रतिशत खर्चा होता है, तो अगर इसका प्राइस चेंज हुआ तो हम ज़्यादा डिमांड चेंज करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट। फिर बात आती है नंबर ऑफ यूजेस, सॉरी नेचर ऑफ नीड द कमोडिटी सेटिस्फाइड। समझो बेटा, अगर कोई लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड का क्या हम डिमांड इसका पोस्टपोन कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो लग्जरी गुड क्या बाद में खरीद सकते हैं क्या? हाँ। तो बोलते हैं अगर लग्जरी गुड का प्राइस बढ़ेगा ना, तो दन्नस उसकी डिमांड कम करेंगे, बोलेंगे बाद में खरीदेंगे, तो इलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर मैं बोलूँ नेसेसिटीज, जैसे दवाइयाँ, जैसे कि फूड, ये नेसेसिटी है, इसको डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर ये प्राइस इसका बढ़ भी गया ना, तो चाह के भी डिमांड कम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़े, नेक्स्ट, ठीक है ना। अगली बात देखेंगे, बोलते हैं नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ विच अ कमोडिटी इज पुट टू यूज। मतलब अगर समझो हम किसी प्रोडक्ट को ज्यादा जगहों पे यूज कर सकते हैं, राइट, तो क्या होगा, जैसे ही प्राइस कम होगा ना, दनस उसका डिमांड बढ़ा देंगे और मल्टीपल जगह पे उसको यूज करना चालू कर देंगे। तो मोर द पॉसिबल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। समझो पेट्रोल का प्राइसेस सुनना है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना याद रखना है। अगर समझो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या तुरंत आप एकदम ही पेट्रोल यूज करना बंद कर दोगे क्या? नहीं, बोलते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, प्राइस चेंज होने के बाद शॉर्ट टाइम पीरियड में हम चाह के भी डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाते, इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में जब प्राइसेस बढ़ चुके हैं ना, अब लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद हम बोलेंगे यार अब जब नई गाड़ी खरीदूंगा ना, अब तो भैया चार्जिंग वाली लूंगा, बैटरी वाली, पेट्रोल का झंझट ही खत्म, और पेट्रोल का डिमांड एकदम ज्यादा कम कर पाएंगे लॉन्ग टाइम पीरियड में। सो प्राइस चेंज होने पे शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डिमांड चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में डिमांड को ज्यादा चेंज कर सकते हैं, इलास्टिक डिमांड। इस समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, नेक्स्ट। बोलते हैं जब कोई कंज्यूमर हैबिचुअल है किसी प्रोडक्ट के लिए, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाएगा ना, फिर भी उसको खरीदेगा, डिमांड कम नहीं करेगा ज्यादा, तो हैबिचुअल प्रोडक्ट्स में क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड। अगली बात है टाइड डिमांड। बोलते हैं अगर मुझे प्रिंटर चलाना है ना, तो उसके अंदर इंक कार्ट्रिज होना ही चाहिए, तो ही चलेगा। अब अगर इंक कार्ट्रिज महंगा भी हो गया ना, फिर भी उसको खरीदना ही पड़ेगा, तो ही तो प्रिंटर काम कर पाएगा, इन इलास्टिक डिमांड। तो जो टाइड डिमांड होती है जिन चीजों की, उसका इन इलास्टिक डिमांड होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे, अगली बात, नेक्स्ट बात क्या है बेटा, नेक्स्ट बात है बेटा प्राइस रेंज, है ना। नेक्स्ट बात क्या बताइए, नेक्स्ट बात है प्राइस रेंज। बेटा अगर कोई चीज जो बहुत ज्यादा महंगी है, कोई ऐसी चीज है बेटा जो बहुत ही ज्यादा महंगी, ठीक है ना, समझो जैसे वो मैकलेरन जीटी 4.5 करोड़ की है, अगर वो 4 करोड़ 60 लाख की हो गई, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो अमीर व्यक्ति है ना, वो जो 4.5 करोड़ दे सकता है, वो 4 करोड़ 60 लाख भी दे सकता है। तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है ना, उसके प्राइस में चेंज होता ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई चीज है जो मतलब डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऐसा इन इलास्टिक डिमांड। अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा सस्ती है, जैसे नमक, जैसे बटन, ये बटन आता समझो 15 रुपए का, अब ये बटन 15 से 20 रुपए हो जाएगा, क्यों फर्क पड़ेगा क्या अपने को? नहीं। तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा सस्ती है, इन इलास्टिक डिमांड, प्राइस के चेंज होने पर डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन जो मिडल रेंज की चीजें हैं, जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो, जैसे घर का रेंट देने, मिडल रेंज की चीजें हैं, इनके प्राइसेस से फर्क पड़ता है। कपड़ों पे अगर सेल लगता है तो तुरंत जाके लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, अगर अगर समझो कपड़े महंगे हैं तो कम खरीदेंगे, समझ मारा। तो जो मिड रेंज की चीजें रहेंगी उसका इलास्टिक डिमांड, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी, बहुत ज्यादा सस्ती, इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट बोलते हैं माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, ये न्यूली एडेड है बेटा सिलेबस में। बोलते हैं कि समझो अगर आप 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदते हैं, अब उसके साथ आपको कवर लगाना है, पीछे 1000 रुपए का कवर है, तो क्या उसमें अब आप ज्यादा सोचेंगे क्या
यार ये तो कल 900 का था, आज 1000 का मिल रहा है, ब्लू की नहीं। अरे ढोकले, जब 1.5 लाख खर्चा कर दिया, क्या 100 200 रुपये सोचोगे क्या? बोलते हैं माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, जो आप बहुत ही महंगे आइटम के साथ खरीदते हैं, उसका डिमांड इन इलास्टिक होता है। बोलते हैं चीप एंड कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स टू बी यूज विद अ कॉस्टलियर प्रोडक्ट, उसका डिमांड इन इलास्टिक। अब इनका का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए ना, हम सोचते हैं यार अभी इतना लाखों का खर्चा कर दिया, आप क्या 100 200 के लिए सोचेंगे क्या? ले लो भैया, मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं करते, इन इलास्टिक डिमांड। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा इनकम इलास्टिसिटी की, तो हमारी दो ही चीज बची है, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, राइट? क्योंकि हमारा जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये टॉपिक हम अलग से करेंगे, ये अभी नहीं करेंगे, बाद में अलग से वीडियो आएगा इसका, ठीक है ना? चलिए, तो इनकम इलास्टिसिटी भी क्या है, सेम वही है कि इनकम के चेंज होने पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड करेगा। समझो मेरी इनकम अगर 30% से बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगा, पर कितने से? बोले समझो इनकम इलास्टिसिटी है 2, तो 30% इंटू 2 60% से बढ़ेगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड करेगा इनकम के चेंज होने पे, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन इसमें भी तीन मेथड है, आपका परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड एंड एक नया है प्रोपोर्शनेट मेथड। अब ये प्रोपोर्शनेट मेथड क्या बोलता है, जितना है बस उतना याद रखें, इसमें ना कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, बस ये क्या बोलता है कि देखो देखो अगर इनकम बढ़ने के बाद हम किसी प्रोडक्ट पे जितना हमारे इनकम का प्रपोर्शन खर्चा करते थे अगर वो बढ़ा दिया तो। कुछ भी समझ में आया नहीं? सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझो हमारी इनकम थी बेटा पहले 50,000 रुपये, और हम हमारे इनकम का 20% खर्चा करते थे प्रोडक्ट एक्स पे, 10,000 रुपये खर्चा करते थे। अब समझो हमारी इनकम बढ़ गई, हमारे इनकम जो है ना अब हो गई 80,000 रुपये। इनकम के बढ़ने के बाद क्या अब भी आप प्रोडक्ट एक्स पे 20% ही खर्चा करते हैं क्या? मतलब कि इनकम इलास्टिसिटी है इक्वल टू 1, समझा? इनकम बढ़ने के बाद द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड अगर वो सेम रहता है तो इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अब इसके लॉजिक में नहीं जा सकते, रिविजन चल रहा है। अगली बात, ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम बढ़ने के बाद हम जो है हमारे इनकम का ज्यादा प्रतिशत खर्चा करें एक्स पे। समझो मैंने एक्स पे खर्चा कर दिया 50% इनकम, तो बोलेंगे अच्छा तुम प्रोडक्ट एक्स में इनकम बढ़ने के बाद तुम्हारे इनकम का ज्यादा प्रपोर्शन खर्चा कर रहे क्या एक्स पे? अच्छा मतलब कि इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है। बोलते इनकम बढ़ने के बाद अगर तुम अपने इनकम का समझो इससे कम करते हो, समझो 15% खर्चा कर रहे हैं, बोलते हैं एक्स पे पहले 20% खर्चा करते थे लेकिन इनकम बढ़ने के बाद अब एक्स पे सिर्फ 15 ही% खर्चा कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, बस यही है। अब इसको देखो कैसे लिखा है, बोलते हैं इफ आफ्टर एन इंक्रीज इन इनकम द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड रिमेन सेम, तो इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इनकम बढ़ने के बाद प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड इंक्रीजेस, तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अगर इनकम बढ़ने के बाद प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड डिक्रीजेस तो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1। समझ में आ रहा है क्या सबको मैं क्या बोल रहा हूं? क्या सबको ये बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो मुझे बताइए जल्दी से, यस और नो मुझे बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से, ठीक है ना? डन होगी बात आगे, तो प्रपोर्शनेट मेथड हो गया। अगला देखेंगे परसेंटेज मेथड, सेम वही है, सेम वही है बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इनकम, या इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ऐसा भी लिख सकता हूँ। समझ मारी बात क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब बात आती है, बोलते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी पे जब भी सवाल आता है ना अपने को अपनी आंखें बंद कर लेनी है, हमको ये नहीं देखना है कि कौन सा गुड के बारे में बात कर रहा है, हमको वैल्यू के हिसाब से चलना है। बोलते हैं कि अगर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये होता है नॉर्मल गुड के केस में, क्योंकि नॉर्मल गुड में ही इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है, तो अगर इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू पॉजिटिव है तो याद रखेंगे वो नॉर्मल गुड में होता है। अगली बात,
अगर इनकम इलास्टिसिटी जीरो है, मतलब इनकम के चेंज होने पे डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। सर ये कहाँ होता है? इसके लिए कोई गुड का नाम नहीं है, देर इज नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। आगे बोलते हैं इनकम के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन। बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन प्रपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन इनकम। याद करो मैंने आपको ये कहीं पे तो भी पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स में। तो जब इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है बट लेस देन प्रपोर्शनेट, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज इन इनकम, लेस देन वन वैल्यू होंगी यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी की, लेस देन वन वैल्यू है, जीरो और वन के बीच में वैल्यू है। ये कहा होता है नेसेसिटीज या एसेंशियल कंज्यूमर गुड के केस में। समझ में आ रहा है बात? अगली बात, अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है तो इनकम के बढ़ने पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्ट पे, तो क्या होगा? ये होता है लग्जरी गुड्स के केस में। एंड फाइनली अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, बहुत बार पूछते हैं इनकम के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है, कहाँ होता है ये? इन्फीरियर गुड में होता है। कहाँ होता है? इन्फीरियर गुड में होता है, ठीक है। अब सवाल कैसे आते हैं देखिए, इसमें सवाल कैसे आते हैं देखिए, इस पे सवाल कैसे आते हैं, है ना। ये सब चीजें ना मैंने यलगार बैच में बच्चों को ऐसे लिखवाया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ेंगे। रुकना है, आपको ना सवाल पूछेगा, देखो ऐसा आपको सवाल पूछेगा, सपोज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज 0.6, बताओ गुड एक्स कौन सा गुड है। अब हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक होता है कि वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है तो नॉर्मल गुड होगा। अब नॉर्मल गुड है बेटा इसका जनरल क्लासिफिकेशन, मैंने ये थोड़ा सा पहले भी बताया था इसके बारे में, समझ में आ रहा है। ये जो गुड एक्स है ना, ये एक नॉर्मल गुड है। क्यों है नॉर्मल गुड? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड है ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक देखना चाहता हूं तो फिर क्या होगा? इसका वैल्यू पॉजिटिव है एंड लेस देन वन है। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल तो है ही बट ये एसेंशियल कंज्यूमर गुड है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पे हमारे जब ये 0.6 दिया, अब आपको ऑप्शन दिया, ये आपको जनरल क्लासिफिकेशन वाला दिया है, स्पेसिफिक वाला भी दिया, तो क्या करेंगे? स्पेसिफिक वाले को चुनेंगे। ये 0.6 है ना, नॉर्मल तो है लेकिन लेस देन वन है, मतलब नॉर्मल में इन नेसेसिटी वाला है, तो इसको टिक मारेंगे। समझो अगर आपको ऑप्शन में नेसेसिटी दिया ही नहीं है, 0.6 वैल्यू दिया और नेसेसिटी दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे? नॉर्मल तो है ही ना ये, तो नॉर्मल गुड को टिक मार लेंगे। हाँ लेकिन सर अगर ऐसा दिया तो नॉर्मल भी दिया है, नेसेसिटी भी दिया है, बोथ दिया है, तो क्या करेंगे? तो स्पेसिफिक वाले को चुनेंगे, नेसेसिटी। ये समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? तो हम जो है ना गुड्स को देखो, समझो बात को, जो जो गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है ना वो नॉर्मल गुड, दिस इज जनरल क्लासिफिकेशन। अगर स्पेसिफिक देखना हो तो बोले पॉजिटिव में दो चीज़ हो सकती है, या तो वैल्यू लेस देन वन है, जीरो और वन के बीच में है, या वन से ज़्यादा है। अगर इनकम इलास्टिसिटी का जो जीरो और वन के बीच में है तो एसेंशियल कंज्यूमर गुड, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। अगर इनकम इलास्टिसिटी वन से ज्यादा है तो लग्जरी गुड। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बताइए क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। तो अगर आपको पूछा, ये समझ में आ गया ना आपको मैंने क्या बोला, कि अगर 0.6 बोला तो वैसे क्या है? नेसेसिटी, लेकिन नॉर्मल भी है ना। यस। तो अगर नेसेसिटी ऑप्शन में दिया तो वो चुनेंगे, अगर ये नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो जनरल वाला चुन लो, नॉर्मल गुड। ऐसे ही लग्जरी में करना है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही लग्जरी में करेंगे। चलो लग्जरी वाला मुझे बताओ। हाँ आपको बोला सपोज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज 2.50, कौन सा गुड है बताओ?
अगर आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिया तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक वाला चुन लो, कौन सा है दिया है ना, वैसे ग्रेटर देन वाला तो लग्जरी, नॉर्मल भी है लेकिन स्पेसिफिक लग्जरी। लेकिन अगर मुझे बताइए यहाँ पे नन ऑफ दीज हो तो, मुझे मालूम ही था ना, देखो एक बच्चे लिख दिया यहाँ पे नन ऑफ दीज हो तो, दनादन ढोकले को दनादन फटके लगाने चाहिए वो, है सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, फिर भी वही 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 भी लिख रहे हैं। देख भाई जब बता रहो देखो तो सही, कम से कम मेरे बेटा देखो तो सही तुम वीडियो को, सब बता रहो बेटा, ध्यान तो दो। अब देखिए बोलते सर यहाँ पे हमें ना लग्जरी वाला दिया ही नहीं है, होना चाहिए लग्जरी पर वो दिया ही नहीं है, क्या करेंगे। बोले तो क्या करें, हम जो है जो जनरल वाला है वो चुन लो, क्या है नॉर्मल तो है ही ना, ये नॉर्मल चुन लेंगे। अच्छा लेकिन अगर सर हमको बोथ दिया हो तो, हमको सर बोथ दिया हो तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, जनरल वाले को नहीं स्पेसिफिक वाले को चुनेंगे। इस समझ में आ रही बात है मैंने क्या बोला आपको, याद रखें। तो यहाँ पे अब मैं ये गुड़ का नाम कुछ भी लिखूँ, मैं चप्पल लिखूँ, टीवी लिखूँ, कार लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेडिसिन का इनकम इलास्टिसिटी है 2.5। आप बोलेंगे सर मेडिसिन तो नेसेसिटी है, मैं नेसेसिटी को टिक मारूंगा, दनादन फटके। मैंने क्या बोला, इनकम इलास्टिसिटी में हम गुड़ का नाम कुछ भी लिखे वो छोड़ो, हमको वैल्यू के हिसाब से जवाब देना है। क्या वैल्यू पॉजिटिव है, नॉर्मल गुड। अच्छा पॉजिटिव में क्या लेस देन वन है क्या, तो एसेंशियल कंजर्व गुड। क्या ग्रेटर देन वन है वैल्यू, तो लग्जरी गुड। गुड का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके वैल्यू को देख के जवाब देना है। अगर यहां पे मैंने लिख दिया कि द सपोज द इलास्टिसिटी ऑफ पटेटोज, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ पटेटो इज व्हाट, इज -2, मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर पटेटो तो नेसेसिटी, ढोकले दनादन फटके। यहां पे मैं कुछ भी लिखूं गुड़ का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम इलास्टिसिटी क्या है नेगेटिव है, मतलब इनफीरियर गुड़ को टिक मारूंगे। आप समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं, ऐसा है। चले वेरी गुड, आगे आइए, वापस समझ में आ गई ना बात है, चले आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या इनकम इलास्टिसिटी में भी आर्क मेथड आ सकते हैं, हाँ सेम वही करना है ना, डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन एडिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू एडिशन ऑफ इनकम अपॉन डिफरेंस इन इनकम, सेम वही चीज है। या तो 2-2 वाले पहले ले लो, या तो 1-1 वाले पहले ले लो। सर ये कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में बोला हो यूज आर्क मेथड, समझ पा रहे हैं। पहले इंस्टीट्यूट नहीं लिखता था, अब लिखता है, ठीक है। लास्ट चीज आज के दिन का बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है ना, हमारे गुड का डिमांड हमारे रिलेटेड गुड के प्राइस के वजह से कितना चेंज होगा, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलते हैं दो प्रकार के होते हैं, आपको ये भी एमसीक्यू आता है, रिलेटेड गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स आप सबको बताएं, गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम वांट, जैसे पेप्सी कोका कोला। सोच के देखो, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोका कोला हम ज्यादा खरीदेंगे, बोले पेप्सी छोड़ो महंगी हो रही है कोका कोला खरीदो। तो पेप्सी के प्राइस में और कोका कोला के डिमांड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, माइनस अपॉन माइनस प्लस पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना है आपको कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग क्रॉस डिमांड कर्व होता है, किसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कोका कोला का डिमांड एंड प्राइस उसके सब्स्टिट्यूट गुड प्राइस पेप्सी का, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव। एमसीक्यू आएगा कि सब्स्टिट्यूट में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट बात देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है बेटा बताइए। बोलते हैं टू गुड्स विच आर टू बी कंज्यूम्ड टुगेदर, जैसे पेन एंड इंक, इन दोनों को साथ में यूज करना पड़ता है। यस बोलते हैं अगर पेन महंगी हो जाएगी तो हम पेन खरीदेंगे नहीं, तो इंक का क्या करेंगे, भजिए बनाएंगे क्या उसका, नहीं। तो क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ेगा, इसका सॉरी प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम कर देंगे, इन डायरेक्ट रिलेशन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव आता है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व नहीं क्रॉस डिमांड कर्व। क्यों, डिमांड कर्व क्या होता है, इंक का डिमांड और इंक का प्राइस रहता ना तो डिमांड कर्व, यहाँ पे इंक का डिमांड और पेन का प्राइस है, यहां पे इंक का डिमांड और पेन का प्राइस है, इसलिए क्रॉस डिमांड कर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्रॉस डिमांड कर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अच्छा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर अनरिलेटेड गुड्स मतलब जैसे लैपटॉप बर्गर,
अगर लैपटॉप महंगा हो गया तो बर्गर के डिमांड के साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भैया, समझ पा रहे? कुछ भी नहीं होगा, ये समझा? क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अगर दो गुड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? जीरो। अरे लैपटॉप के प्राइस के बदलने पे बर्गर का डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। इलास्टिसिटी जीरो होने का मतलब क्वांटिटी जीरो नहीं है, इलास्टिसिटी जीरो होने का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्स जीरो है, समझे ना? आगे बढ़े नेक्स्ट। इसमें भी फॉर्मूला देखो, एक होगा परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड। परसेंटेज में सेम वही कि हमारे एक्स का क्वांटिटी डिमांडेड, वाई का प्राइस, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, अनरिलेटेड हो सकते हैं, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, सेम इससे और इससे सेम आंसर आएगा। लेकिन क्या आर्क मेथड से और परसेंटेज से सेम आता है आंसर? नहीं, याद रखना है। अच्छा, आर्क मेथड को क्या बोलते हैं, और इसको हम मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। पॉइंट मेथड अलग है, मिड पॉइंट मेथड अलग है ना? एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी, बिटवीन टू पॉइंट्स, बताओ कौन सा मेथड लगाऊं? मुझे इलास्टिसिटी निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? याद रखना, हम इसमें पॉइंट मेथड नहीं लगाएंगे, हम इसमें आर्क मेथड लगाएंगे, और आर्क मेथड को हम मिड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है आपको, अगर ऐसा बोला हो तो क्या बोलोगे? आर्क मेथड बोलना है, समझ में आ रहा है? डन डनाडन, आगे बढ़ेगा पक्का। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या जिंदगी में? चले आगे बढ़े नेक्स्ट। आगे बढ़ेंगे, मैं देख रहा हूं। अच्छा खत्म, ठीक है, चलो, है ना? तो अब मुझे बताइए, क्या इसमें भी आर्क लगा सकते हो क्या? हाँ, सेम वही चीज़ है, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, है ना? क्या बोला मैंने? डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी अपॉन एडिशन ऑफ क्वांटिटी इनटू एडिशन ऑफ प्राइसेस अपॉन डिफरेंस इन क्वांटिटी। अब या तो आप टू टू वाले पहले रखो, या तो वन वन वाले पहले रखो, आंसर सेम आता है, ठीक है? तो इससे करो या इससे करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन आर्क से और इससे सेम आता है क्या? नहीं। क्या पॉइंट मेथड जो था प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी में और परसेंटेज से सेम आएगा हमेशा? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे बेटा कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक होता है बेटा रिमोट सब्स्टिट्यूट, एक होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट। रिमोट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? रिमोट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? टू गुड्स जो सब्स्टिट्यूट है लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी कम है, जैसे आईफोन और सैमसंग का मोबाइल, ये सब्स्टिट्यूट है लेकिन क्या दोनों एकदम सेम है क्या? नहीं, ये दोनों रिमोट सब्स्टिट्यूट है, मतलब दोनों भाई हैं लेकिन दूर के भाई हैं, दोनों भाई हैं लेकिन दूर के भाई हैं, दिस इज रिमोट सब्स्टिट्यूट्स। एक होता है बेटा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मतलब कि दोनों सगे भाई हैं, बोलते पेप्सी एंड कोका कोला, क्या दोनों में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है क्या? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, दोनों में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, समझा? तो रिमोट सब्स्टिट्यूट मतलब भाई है पर दूर के, यहां पे भाई है सगे भाई है। अब याद ये रखना है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है ना, यहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा होता है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा ना बेटा, तो लोग क्या करेंगे? पेप्सी की डिमांड ज्यादा कम करेंगे, कोका कोला की डिमांड ज्यादा बढ़ाएंगे, तो यहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा आती है, इसलिए यहां पे फ्लैटर कर्व बनता है, याद रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा फ्लैटर क्रॉस डिमांड कर्व होता है, किसमें? क्लोज सब्स्टिट्यूट के केस में। लेकिन रिमोट सब्स्टिट्यूट्स में क्या होगा? यहाँ पे स्टीपर होगा। क्या ऐसा होगा क्या कि आईफोन अगर महंगा हो गया तो एकदम से सब आईफोन छोड़ के सब सैमसंग खरीद रहे, ऐसा होगा क्या? आईफोन अगर महंगा होगा ना तो सैमसंग का डिमांड बढ़ेगा पर थोड़ा सा। तो आपको डायग्राम याद रखना है, स्टीपर अपवर्ड स्लोपिंग क्रॉस डिमांड कर्व का होता है रिमोट सब्स्टिट्यूट्स, एंड ऐसा फ्लैटर अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कहाँ होगा? यस कम ऑन, फ्लैटर अपवर्ड स्लोपिंग क्रॉस डिमांड कर्व कहाँ होगा? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में। अब
अगली बात आती है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा आपका वीक कॉम्प्लीमेंट्स स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्स। ये भी बुक में दिया है पर आपने पढ़ा नहीं होगा, यही जबरदस्त बात है ना, क्या करें। और ये चार्ट बुक में भी दिया है मैंने, आप सोचो मतलब मैं चार्ट बुक में भी दे रहा हूँ, चार्ट बुक में सब चीज़ें अवेलेबल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा आपको रिविजन में। वीक कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ऐसे गुड्स जो साथ में यूज़ करने हैं पर उतना मज़ा नहीं आ रहा है साथ में यूज़ करने में। जैसे आईफोन के साथ अगर आईफोन का चार्जर यूज़ करें ना तो ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होती है, लेकिन आईफोन के साथ लोकल कंपनी का चार्जर यूज़ करोगे ना उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं होती, काम होगा साथ में यूज़ कर सकते हैं पर उतना मज़ा नहीं आएगा, आप समझिएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं कि दो गुड्स जिसको साथ में यूज़ कर रहा है साथ में यूज़ करने में मज़ा आ रहा है, बोले आईफोन के साथ अगर एप्पल कंपनी का ही चार्जर यूज़ करूँगा ना ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स में सवाल आएगा कि व्हेन क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव एंड वेरी हाई, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स आपको पूछेगा व्हेन क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव एंड स्लाइटली बिलो जीरो, ये कहां होता है, वीक कॉम्प्लीमेंट्स में होता है। क्या बात समझ पा रहे सब लोग, मैं क्या बोल रहा हूं बताइए, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, डन होगी बात। तो वीक कॉम्प्लीमेंट्स में स्टीपर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके प्राइस के बदलने पे इसका डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, या इसके प्राइस के बदलने में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, होगा पर थोड़ा सा, तो यहाँ पे स्टीपर होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट गुड है इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर। और यहाँ पे क्या होगा बताइए मुझे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लैटर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्रॉस डिमांड कर्व होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आईफोन बेटा सस्ता हो जाएगा ना तो लोग ज़्यादा आईफोन खरीदेंगे और दनादन एप्पल कंपनी के चार्जर भी खरीदेंगे, क्योंकि आजकल चार्जर मोबाइल के साथ नहीं आता, अलग से लेना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आईफोन महंगा हो गया ना तो तुरंत इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स में क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव एंड वेरी हाई। तो अब देखो क्या करना है, सुनिए ध्यान से, बोलते देखो देखो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है कहाँ होगा, अनरिलेटेड गुड्स में, खत्म। क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो इसमें तीन चीज़ें होगी, या तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है एंड वैल्यू बहुत कम है, रिमोट सब्स्टिट्यूट्स। क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है एंड वैल्यू इनफाइनाइट है, जब तक आपको ना बोले क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट तब तक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को टिक नहीं मारना। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को टिक कब मारोगे, जब इनफाइनाइट हो क्रॉस इलास्टिसिटी और पॉजिटिव हो। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है एंड स्लाइटली बिलो जीरो है, मतलब कम है वैल्यू बहुत, तो वीक कॉम्प्लीमेंट्स। क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है एंड वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स। क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है एंड इन्फिनिट है, माइनस इन्फिनिटी है, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। बेटा थियरी ऑफ डिमांड का इससे डिटेल्ड रिविजन मैंने आज तक नहीं बनाया है, आई होप आपको हेल्प हुई होंगी, आपको एमसीक्यू करने में भी बहुत हेल्प मिलेंगी आज के इस वीडियो से। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक अलग से आएगा बाद में यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। मैंने ऑलरेडी थियरी ऑफ सप्लाई का, मैंने ऑलरेडी बेटा थियरी ऑफ सप्लाई का रिविजन ऑलरेडी ले लिया है इस चैनल पे। आपको क्या करना है अभी देखिए, आप लोगों को क्या करना है देखिए, अभी जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है, आप लोगों को बेटा जाना है हमारे बोलते सर पेड क्लास में भी इतना नहीं पढ़ा है। अब ध्यान दीजिए, मैंने ना बेटा एक लिंक पिन किया है, वो क्या है, वो हमारी लिंक है हमारे, क्या बताइए, लेक्चर ट्रैकर के, है ना, bit.ly/camvsir। ये क्या है, हमारे लेक्चर ट्रैकर की लिंक है, नया लेक्चर ट्रैकर है, अब पुराने वाले को भूल जाना है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये नया लेक्चर ट्रैकर है हमारा, ऐसा ओपन होगा ये, ठीक है ना, ये इस प्रकार से ओपन। तो आपको क्या करना है ना, इसमें ऐसा राइट में जाना है, समझा, क्या किया मैंने, ऐसा राइट में गया, तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा हमारे एमसीक्यू बुकलेट सीरीज का लिंक है, बस क्लिक करना है वो ओपन हो जाएगा। बीसी के चैप्टर 6 का जो रिविजन सीरीज ले रहा हूँ, एक सेशन हो गया है, अगला सेशन अभी होगा बाद में, यहाँ पे लिंक दिया है, क्लिक करना है ओपन हो जाएगा। थियरी ऑफ डिमांड का जो मैंने लिया है, क्लिक करो ओपन हो जाएगा। थियरी ऑफ सप्लाई
ये प्ले पे क्लिक करो, डायरेक्ट वीडियो ओपन हो जाएगा हमारा थियरी ऑफ सप्लाई वाला। समझ में आ रहा है? ये आ गया थियरी ऑफ सप्लाई। यस 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 गाइस, ये आ गया थियरी ऑफ सप्लाई। समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। डन 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 डन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं वैसे ही जो जो चीज़ें ले रहा हूँ ना, जैसे बीसी के चैप्टर वन, इकोनॉमिक्स चैप्टर वन है ना, बीसी के चैप्टर थ्री का सुपर चार्ट रिवीजन, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक है, ये रहा। बच्चे बोलते हैं सर बीसी के चैप्टर थ्री कैसे करें, यहाँ से करो। ये हमने चार सेशन में पूरा बीसी के चैप्टर थ्री लेटेस्ट अपडेटेड वाला किया है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएगी बताओ? यहाँ पे एक जगह पे आपको बुक्स है ना, हमारी जो बुक्स है ना उसको परचेस करने के लिंक्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स के लिए भी आपको लिंक दिया है, बस आपको ये फाउंडेशन बुक्स पे क्लिक करना है, हमारा यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे फाउंडेशन बुक्स है। ठीक है ना, आप ये वहाँ से जाके परचेस करना बहुत आसान है, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मेरे हिसाब से आपको, अगर आपके पास कोई मटेरियल अगर नहीं है, अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है अभी, तो आपको जो है हमारा सुपर चार्ट बुक, सुपर चार्ट बुक ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सारी चीज़ें इसमें बेटा कवर्ड है। एंड दूसरा, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, अगर समझो आपके पास कोई भी बुक नहीं है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारा कंपाइलर ले सकते हैं जिसमें 1920 प्लस एमसीक्यूज हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, आपको चाहिए सर मुझे ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए हर टॉपिक के, तो उसके लिए बेटा हमने बनाई है बुकलेट जिसमें 900 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। समझ में आ रही बात है? अच्छा, अगर किसी बच्चे के पास कंपाइलर है ना बेटा, तो उसको वापस से बुकलेट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बुकलेट के सारे एमसीक्यूज इसमें से ही मैंने निकाले हैं। समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपके लिए ये कॉम्बो बहुत ही बढ़िया साबित रहेगा एग्जाम्स के लिए, राइट? सो थैंक यू सो मच। हमारा स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगा, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी आएगा, सारे चैप्टर्स का बेटा हम करवाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है ना, और आपको रिविजन वीडियोज वगैरह भी आते रहेंगे। ठीक है ना, सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये जो लेटेस्ट बैच चल रहा है, इसके बारे में प्लीज़ अपने सारे दोस्तों को बताएं, प्लीज़ शेयर करें इसके बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लगे तो बता दो बच्चों को कि अल्टीमेट सीए पे चालू हो रहा है ये, राइट? हम यूट्यूब पे इसके डेमो सेशंस भी ले रहे हैं अभी, ज़रूर शेयर करें इसको अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।